नमस्कार, सत श्री अकाल, बहुत बहुत आदाब। हाजिर हूँ एक बार फिर प्रोग्राम जन्म कुंडली के साथ आपके अपने चैनल MATV 793 पर। और एक बार फिर से फ्राइडे का शो मेरा और आपका साथ ठीक 2 बजे तक रहेगा। इस प्रोग्राम में अगर हिस्सा लेना चाहते हैं, मेरे साथ बात करना चाहते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इस नंबर को डायल कर आप इस प्रोग्राम में भाग ले पाएंगे, मेरे साथ बात कर पाएंगे। जन्म कुंडली के माध्यम से जो आपका सवाल होगा उसको जानने की, समझने की, उसका निदान उपाय जो भी होगा उसको बताने की कोशिश की जाएगी हमेशा की तरह। और आज हम बात करते हैं फ्राइडे के दिन वीकली फॉरकास्ट की, कि किस तरह का जो आने वाला आज का दिन, कल का दिन और वेनेसडे तक जो भी सिचुएशन है उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। और आज एक बार फिर से उसी चर्चा को हम जारी रखेंगे और 12 राशियां और उनका राशिफल और साथ ही साथ आपके सवाल। तो सबसे पहले आज अगर मैं कहूँ तो गंडमूल, जी हाँ, जिसकी हम चर्चा करते हैं वो गंडमूल आज बिल्कुल नहीं है, गंडमूल ख़त्म हो चुके हैं और एक वीक ऐसा हमारे पास है जिसमें इस बात की चिंता कम से कम नहीं है। आज का जो नक्षत्र है वो है भरणी नक्षत्र, यानी कि चंद्रमा एरीज राशि में संचार कर रहे हैं, शुक्र के नक्षत्र से गुजर रहे हैं और इस नक्षत्र का जो प्रभाव है वो निश्चित तौर पे धन कारक होता है, वो सहयोग बढ़ाने के लिए बहुत उत्तम होता है। यह एक अपनेपन का एहसास कराता है लेकिन साथ ही साथ हल्की सी ईगो भी देता है, दूसरों को बढ़ता देखकर कई बार इनको जलन होने लगती है। लेकिन फिर भी सौम्य राशि से जुड़े हुए, नक्षत्र से जुड़े हुए ग्रह जो हैं, चंद्र और शुक्र दोनों ही सौम्य ग्रह माने जाते हैं, इसलिए अंदर ही अंदर जलन होती है, बाहर निकल कर वो जलन जो है वो नहीं आती है। तो ये हम कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं कि अपने अंदर ही गम को दबा लेना, वो वाली बात हो जाती है। तो कोशिश करते रहिए, निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी, जैसा आप कर्म करेंगे वैसा फल निश्चित तौर पे मिलेगा। तो इसलिए कर्म कर्म और कर्म, जितना अच्छा कर्म होगा, जितना शुभ होगा, जितना आप उसके ऊपर फोकस करेंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा, इसमें किसी तरह का कोई संशय, कोई दो राय, कोई डाउट बिल्कुल भी नहीं है। और साथ ही साथ पूर्णिमा आ रही है 3 तारीख को, यानी कि 3rd December को, और देखिए दिसंबर का महीना शुरू हो चुका है, आज 1st December हो चुकी है। 2017 को अलविदा कहने के लिए हम लगभग तैयार हो रहे हैं, बहुत जल्दी ये वर्ष यूँ ही गुजर गया बातों ही बातों में, हर वर्ष ऐसा ही हम कहते हैं लेकिन लगता है कि 2017 निश्चित तौर पे बहुत जल्दी गुजर गया। ऐसा लगता था कि जैसे कुछ ही समय पहले मैं 2017 और ईयरली फोरकास्ट की बात कर रहा था कि किस तरह से होगा, और देखते ही देखते अब हम 18 की तैयारी कर रहे हैं। खैर, वक्त है ये हमारे लिए रुकेगा नहीं, हमें भी वक्त के साथ दौड़ना होगा, लेकिन इस दौड़ में हमें खोना नहीं है, अपनों को छोड़ना नहीं है, सबको साथ लेके आगे बढ़ना है, यही जीवन का फलसफा है। शरीर का कोई मायना नहीं है, मायना तो उस आत्मरस का है जिसको हमें पाना है, जिसके लिए हमारा जन्म होता है और निरंतर होता रहता है, ये जन्म और मरण का आवागमन का चक्र जो है वो चला रहता है। खैर, जन्म कुंडली इन सब चीज़ों को खास तौर पे बताती है, लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी, आपकी मेरी हमारी ज़िंदगी में सबसे पहले सेहत की बात होती है, फिर फाइनेंशियल सिचुएशन, क्या हमारे पास पैसा रुकेगा नहीं रुकेगा, भाई बहन दोस्त मित्रों का साथ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, माँ बाप घर गाड़ी का कैसा सुख रहेगा, एजुकेशन कैसी रहेगी, संतान शुभ होगी मिलेगी होगी नहीं होगी, क्या होगा, ये बहुत सारे सवाल हैं। कंपटीशन होता है, शत्रु होते हैं, उसमें विजय होगी कि नहीं होगी, ऋण मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ना जाने कितने सवाल हैं। गृहस्थी जीवन है, शादी होगी नहीं होगी, होगी तो क्या वो सक्सेसफुल रहेगी, कितनी देर तक ये शादी निभेगी, कोई साथी साथ बीच में छोड़ तो नहीं जाएगा, कितनी समस्याएं हैं जीवन में, ना जाने, छोटी छोटी बातें मैं बता रहा हूँ। संकट, दुर्घटनाएं, एक्सीडेंट हमारे जीवन में आते हैं, क्लेम हम करते हैं, कई बार हमें कोर्ट का जो झगड़ा है उसमें इन्वॉल्व होना पड़ता है, बिना किसी कारण के लोग हमारे खिलाफ षड्यंत्र करना शुरू कर देते हैं, हम भी करते हैं। तो ये कुल मिला के ये सारी स्थितियाँ जन्म कुंडली के माध्यम से देखी जाती हैं। भाग्य के ऊपर हम अक्सर निर्भर करते हैं। भाग्य एक ऐसा अनसुलझी पहेली है, जब भी कोई कार्य होता है तो हम कहते हैं कि हमने किया है, जब कोई कार्य नहीं होता है तो कहते हैं भाग्य कमजोर है। तो ऐसा नहीं है कि भाग्य ताकतवर कभी था या कभी कमजोर था, कमजोर या ताकतवर आपका एक्शन ही होता है। तो इसलिए अपने कर्म के ऊपर विश्वास रखें, कर्म एक ऐसी गति है, ये बचपन से लेकर जवानी तक, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक, जब जब भी हमने कर्म को छोड़ा है हम संसार में हमारी कीमत जो है वो कम हुई है, संसार ने हमें दुत्कारा है, उसने हमें अपनाया नहीं है। देखते हैं ना, हमारे घर में जब बुजुर्ग हो जाते हैं, रिटायर्ड हो जाते हैं, तो लगता है कि अब ये हमारे ऊपर बोझ हो गए हैं, आजकल की जो लाइफ है वो इस तरह की हो गई है, ये भूल ही जाते हैं कि जहाँ तक ये पहुँचे उसमें इन्होंने इतना कुछ किया है कि हमें जन्म देने से लेके पढ़ाने लिखाने इस्टेब्लिश करने तक यही तो करते आए थे। आज जब इनकी बारी है
तो हम सोचते हैं कि ये हम पर बोझ हो गए हैं, तो ये हमारे कर्मों का ही फल फिर बाद में हमें मिलता है जब हमारी संतानें भी इसी तरह से हमारे साथ व्यवहार करती हैं। आचार विचार और व्यवहार ही हमारे जीवन की गति को सही दिशा प्रदान करते हैं, जैसा रहेगा वैसा ही फल आगे हम भोलेंगे। तो प्रॉफिट लाभ गेन हम सभी चाहते हैं कि आज मुझे विजय मिल जाए, आज मुझे इंटरव्यू में कामयाबी मिल जाए, आज मुझे ये हो जाए, आज मुझे वो जाए। तो जो प्रतिदिन एक इच्छा जो है प्राप्ति की इच्छा, लाभ की इच्छा जो है चलती है, जन्म कुंडली उसके बारे में भी चर्चा करती है। और फिर खर्चे भी तो होने हैं भाई, अगर कमाएंगे तो खर्चे होंगे, दिन भर काम किया है तो नींद भी चाहिए, और कहीं कभी घूमने की बात भी होती है। तो ये देश विदेश घूमना फिरना, खर्चे, सुख, ये सब ट्वेल्थ हाउस से जुड़ी हुई बातें हैं। बहुत कुछ ऐसा होता है जो हम जन्म कुंडली के माध्यम से जान पाते हैं, छोटे छोटे सवाल होते हैं। तो अगर आपका कोई भी सवाल है निश्चित तौर पर इस प्रोग्राम में भाग ले सकते हैं, मेरे साथ बात कर सकते हैं। आपके माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जहाँ मैं आपके जवाब देता हूँ वहीं आप मुझे बहुत कुछ पढ़ा के जाते हैं, बहुत कुछ बता के जाते हैं, क्योंकि जीवन निरंतर हमें कुछ ना कुछ सिखाता रहता है। सीखने की कला हमें चाहिए, हर पल हर क्षण हमें कुछ ना कुछ सीखना होता है, कोई सीख हमारे सामने होती है। ये बात अलग है कि हमने किस तरह की सीख को अपनी माला में पिरोना है और किसको हमें छोड़ देना है। बिल्कुल उसी तरह जैसे हंस को अगर पानी में दूध मिला दिया जाए तो वो दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है, ऐसा कहा जाता है और ऐसा शायद एक्सपीरियंस किया गया है, तभी ऐसा होता है। तो हमें भी अपने जीवन में उस हंस की वृत्ति को अपनाना है जिसमें हम सद्गुणों को, अच्छी चीज़ों को अपनाएं और बुरी चीज़ें कितनी भी हों हम उनको छोड़ते चले जाएँ, उस पर हमारा ध्यान ना जाए, क्योंकि बुरी चीज़ें हमारे अंदर ही विचारों में ही पैदा होती हैं। तो मैं तो ये मानता हूँ कि ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारा झगड़ा ही जो है वो विचारों का है। जितने उत्तम विचार होंगे जीवन उतना ही उत्तम होगा, जितने नीच विचार होंगे उतनी ही संकट, व्याधियां, बुरे कर्म करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। तो विचारों का उत्तम होना जरूरी है, इसलिए सबसे पहले विचारों को उत्तम करने के लिए एक मंत्र है जो आपके लिए बहुत, हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कि सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। अगर हम इस चीज़ को अपने ध्यान में ले आएंगे तो विचार जो है कभी भी बुरे होंगे ही नहीं, क्योंकि सब में वो ही तो है, उसके अलावा दूसरा है कौन, वो जो आदि शक्ति है, जो आदि मध्य अंत से रहत है, जो अजन्मा है, जो निर्गुण है, जो सरगुण है, जो व्याप्त है, जो आता है, जो जाता है, जो देता है, जो लेता है, वही रंक है, वही राजा है। बस जब इस विचार का आपके अंदर आगमन हो जाएगा, ऐसी सोच आपकी हो जाएगी, तो निश्चित तौर पे बुरे विचार जो हैं वो आपके होंगे ही नहीं, आपको पकड़ ही नहीं पाएंगे। ज़रूरतों में हम सभी बंधे हुए हैं, कभी आपको मेरी ज़रूरत तो कभी मुझे आपकी ज़रूरत होती है, तो मिलजुल के हम सभी चलाते हैं अपने जीवन को। तो जब मिलजुल के ही चलना है तो फिर द्वंद्व कैसा, द्वेष कैसा, जेलस कैसी। तो मिलजुल के चलने की कोशिश की जाए, आगे बढ़ना। आप ज़्यादा मेहनत करते हैं तो आपको ज़्यादा फल मिलता है, कई बार बहुत लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं लेकिन फल कम मिलता है, कुछ लोग कम मेहनत करते हैं उन्हें ज़्यादा फल मिल जाता है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जिनमें कहीं ना कहीं आपके और आपके परिवार के, आपके साथियों के भी का भी बहुत बड़ा सहयोग रहता है, आपके पूर्वजों का किया हुआ शुभ कर्म भी आपको फलीभूत होता है। तो कुल मिला के ये कहें कि हम सब एक ही चक्र में, एक ही माला में पिरोए हुए हैं, तो इसमें द्वंद्व और द्वेष के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। जैसे जैसे हमारी जहाँ जहाँ से भी कोई काम बनता हो उसे बना लेना चाहिए, किसी का हम सवार सकते हो हमें सवार देना चाहिए, यही जीवन का फलसफा अगर हो तो निश्चित तौर पर बात बनती है। तो जन्म कुंडली इसी बात को जो है, इसी बात की प्रवृत्ता करती है, वो किसी और चीज़ की बात नहीं करती है। तो जन्म कुंडली से जुड़े हुए जो भ्रम हैं, जो भ्रम हैं, जो बना दिए गए हैं, जो हमने खुद बना लिए हैं, उनसे मुक्त होना जरूरी है। जन्म कुंडली को एक अच्छा साथी, एक गाइडेंस के तौर पे आपको लेके चलना होगा, तभी इसका पूर्ण लाभ जो है हम ले पाएंगे, क्योंकि जन्म कुंडली में प्रति क्षण जो चेंजेस हो रही हैं उनके बारे में अलग अलग तरीके से देखा जाता है। तो हम कोशिश यही करेंगे कि ये आने वाला सप्ताह जो है, वीक जो है, जो वीकेंड हम कहेंगे, लेकिन फ्राइडे का शो इसी काम का रहता है, तो हम इसे कहेंगे कि आने वाला वीक जो है वो किस तरह से आपकी राशि के लिए रहेगा, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले पूर्णिमा 3 तारीख को है, जिनका जन्मदिन है, आपको जन्मदिन की ढेर सारी मुबारकबाद, स्वास्थ्य लाभ हो, आपको तरक्की मिले, परिवार का प्यार मिले, साथियों का प्यार मिले, और आप इस वर्ष को उत्साह के साथ मनाएं। जय कामना और जय दुआएं, जय प्रार्थनाएं उस परमात्मा की के चरणों में आपकी शुभ के लिए। जिनकी एनिवर्सरी है भाई, आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद, ये साथ आपका जो ही बना रहे और आप खुशियों के साथ अपने जीवन को, अपने जीवन साथी के साथ जो ही आगे बढ़ाते चले जाएं। आपके इस शुभ जीवन के साथ के लिए उस परमात्मा के चरणों में प्रार्थना है। जिनकी आज अचीवमेंट कोई भी हुई है, आपकी ये अचीवमेंट बनी रहे, आप आगे भी और अचीव करें, परमात्मा से दुआएँ हैं आपके लिए। उसी तरह से जिनको आज किसी तरह का लेट डाउन मिला है, आज असफलता हो गई, मैं कहूँगा आपके लिए विशेष प्रार्थना उस परमेश्वर से
कि आप आने वाले दिनों में निश्चित तौर पे इस मुश्किल से, इस असफलता से आगे बढ़े। एक कॉल ले लेते हैं जी। हेलो जी। जी ओके। ओके, क्या डेट ऑफ बर्थ फिर से रिपीट करेंगे आप? ओके, मेल और फीमेल? ओके, यॉर्कशायर, ठीक है जी। नाम का पहला अक्षर दिया है उन्होंने या पूरा नाम बताया कुछ? ओके जी। हेलो जी। हाँ जी, वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी? बताएं जी। मैं ठीक हूँ जी, दुआएं आपकी। एफ है नाम बच्चे का। एफ एफ ऑफ फयाज जी। ओके ठीक है जी, बताएं क्या जानना चाहते हैं आप इसके बारे में? बेटा है मेरा जी, उसकी शादी के बारे में पूछना है कि कब तक हो सकती है। देखो, शादी का समय तो अभी चल रहा है, बेसिकली फर्स्ट जो 3 जनवरी अभी गई है उससे ही समय इसका शादी का शुरू हो चुका है। अगर अभी बात नहीं बन पा रही है तो इसका मतलब आपकी तरफ से कुछ कमियां हैं, आप जितना एफर्ट बना रहे हैं वो कम है, आपको उसको और आगे बढ़ाना होगा। अभी ये समय ये पूछने का नहीं, अभी ये समय इस तरह का है कि जिसमें आपको और एक्स्ट्रा एफर्ट बनाने होंगे, आपको अप्रोच लगानी होगी, आपको जैसे करके रिश्तेदारों में, आजकल सोशल मीडिया बहुत कुछ ऐसा है उसमें आप अपने आप को इसकी प्रोफाइल को डाल दें तो निश्चित तौर पर आप उस ओर बढ़ रहे हैं जिसमें आपको सफलता मिलेगी। ठीक जी, क्योंकि तो होगा जहां की पैदाइश है या कहीं और? देखो, हमें करना क्या है, शादी करनी है या हमें यहाँ वहां देखना है? कई बार हम लोग इसी चक्कर में रहकर बहुत सारी अपॉर्चुनिटी जो है होती हैं इर्द गिर्द दूर पास जो भी होती है उसको छोड़ देते हैं। हमें झंझट में नहीं पड़ना, हमें जो चाहिए कि हमें अच्छा एक साथी मिल जाए, जीवन साथी जो हमारे साथ जिंदगी भर चले, हमारे हर मुश्किल दौर में, हर अच्छे दौर में, हमारी खुशी और गमी में हमारे साथ रहे और एक अच्छे परिवार को जन्म दे। मुझे लगता है कि ये सवाल जो है प्राइमरी सवाल है शादी, और ये समय शादी के लिए बिल्कुल आपकी फेवर में जा रहा है, बिल्कुल। आप बाकी सवालों को छोड़ दें, अगर आप, मैं कहूं कि जहां होगा आप जहां ढूंढना शुरू कर देंगे, लेकिन रिश्ता कहीं आपको पाकिस्तान से आ रहा हो तो फिर कैसे बात बनेगी? तो इसलिए आपको ऑप्शन खुले रखने हैं। ठीक। अगर ऑप्शन खुले रखेंगे तो निश्चित, और मुझे टू बी ऑनेस्ट आपने सवाल किया तो मैं बता दूं कि ये ज्यादा दूरी दिखाई नहीं दिखा रहा कि पाकिस्तान से रिश्ता होगा, ये नियर बाई होगा, कोई ज्यादा एक आध सिटी आपका इधर उधर हो सकता है, इससे ज्यादा कोई ज्यादा दूरी दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन आपको मीडिया इंटरनेट के माध्यम से प्रोफाइल अपनी डालनी होगी, उसी माध्यम से आपको ये इसका रिश्ता मिलेगा, और जहाँ कोई आपका कोई बहुत अच्छा फ्रेंड है, फैमिली फ्रेंड है, उसके माध्यम से आपके पास कोई रिश्ता आएगा, या इस बच्चे का कोई ऐसा फ्रेंड है उसके माध्यम से रिश्ता आएगा, तो ऐसा कुछ कम्युनिकेशन मैं देख रहा हूँ, उसको आप फॉलो करें, उसके साथ आप बातचीत करें तो निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी आपको। और ये कोई मकान वगैरह अपनी प्रॉपर्टी ले? कितनी भी ले ले जी, इस समय मकान, दुकान, प्रॉपर्टी, शादी, गाड़ी, जो भी आप कर सकते हैं आप कर लीजिए, डिले ना करें, क्योंकि आज आपकी फेवर में सब कुछ है, हो सकता है कल ना रहे, क्योंकि दिन बदलते रहते हैं। ठीक। जो भी करना है कर लीजिए। ओके। और बताएं। और जैसे इसका मून साइन क्या है? इसका मून साइन है जी एक्वेरियस, कुंभ जी। तो आप उपाय की जरूरत ही नहीं, उपाय तब होता है जब मुश्किलें हों, जब रुकावटें हों। अब मुश्किलें और रुकावटें डेस्टिनी की ओर से नहीं है, ग्रहों की ओर से नहीं है, सितारे सब कुछ अच्छा है, बस आपको अपना एक एफर्ट बनाना है, वो बहुत जरूरी है। एक बात मैं पूछ रही थी, मेरे बेटे की गाड़ी किसी ने मतलब ले गई है जो भी है, तो ये हैपेंड हो गया, बेचारा इतना घबराया हुआ है। देखो, जब हम किसी के ऊपर ट्रस्ट करेंगे, ज्यादा करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो ये चीजें हो जाती हैं। थोड़ा सा घबराने से तो होगा नहीं, कुछ होगा उसमें, मुझे बताइए। अभी तो आपको उसको फेस करना है, फेस करिए और आगे से ऐसी गलती ना दोहराएं, बस इतना ध्यान रखें। ठीक है, सीधी सी बात है। देखो, मैं आपको एक बात बता दूं, अगर हम अपने आप को सहज रखेंगे, आसान करेंगे, हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण छुपा रहता है, उस कारण को जानने की कोशिश करेंगे तो हम बहुत आसान जिंदगी हो जाएगी और सुकून भरी रहेगी। जब हम चीजों को, कारण को नहीं जानते और अपनी मिस्टेक से हम सीखते नहीं है, तब जिंदगी मुश्किल होने लगती है। इसको अगर दुरुस्त कर लिया जाए तो मुझे नहीं लगता है कि जो इस समय की स्थितियां हैं, मुझे ये लगता है कि इसको एक ट्रैवल करनी चाहिए। अगर कर लिया इसने पास्ट में तो अच्छी बात है, नहीं किया तो अभी इसको एक छोटी सी जर्नी करनी चाहिए, कहीं भी ओवरसीज जाके आए, चाहे यूरोप में चला जाए 2-3 दिन के लिए, वो एक जैसे होता है ना कि किसी चीज का फ्लो मिल जाएगा, अगर उपाय पूछ रहे हैं तो एक जर्नी ऐसे करनी चाहिए अभी, वो करें, अब्रॉड जाके आए तो उससे एकदम जो सिलसिला है इसके लिए बेहतर हो जाएगा। और बताएं।
ओके जी, शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए, थैंक यू। और आपके बारे में जानकारी मिली इस चार्ट में देखने के लिए कि कैसे चीजें आपके लिए काम कर रही है, तो कुल मिला के अभी सब चीजें अच्छी हैं, बेहतर है, आप इसका पूरा पूरा फायदा लें। जी हाँ, हम आगे बढ़े तो हम बात कर रहे थे कि किस तरह से जीवन जो है इसमें जो मुश्किलें हैं वो कैसे आती हैं और किस तरह से हमें आगे बढ़ना, किस तरह से हमें सब में अपने आप को देखना है और सब को अपने आप में और सब में अपने आप को देखना है, ये बहुत जरूरी है। मुश्किलें हमारे जीवन का अंग है। मुश्किल तो जिस समय माँ के पेट में हम आ जाते हैं उसी समय हो जाते हैं, शुरू हो जाती है, जहाँ हमारे माँ के माध्यम से ही हमें सब कुछ मिलता है और तब तक हम बंद रहते हैं एक ऐसी अंधेरी कोठरी में जहाँ कोई पहुँच नहीं सकता, लेकिन वो ईश्वर जो है वहाँ पर भी हमें सब कुछ प्रदान करता है। जब वहाँ पर हमें सब कुछ मिल सकता है तो अब तो हम आज़ाद हैं, इस पूरे ब्रह्मांड में घूम रहे हैं, तो अब चिंता किस बात की। बस आप पॉजिटिव रहिए, अच्छी सोच के साथ आगे बढ़िए, निश्चित तौर पर सफलताएं मिलेंगी। कुछ मुश्किलें आ जाती हैं, उनके लिए रास्ते बने हुए हैं, मशवरा बना हुआ है, गाइडेंस मिल सकती है, तो जन्म कुंडली को एक गाइडेंस लें, गाइडेंस के माध्यम पे लें। अगर कुछ मुश्किलें होंगी तो ये आपको जरूर सुझाएगा कि क्या मुश्किल इस समय है। जैसे अभी ये हमारे कॉलर थे, कुछ मुश्किलें नहीं है, शायद एफर्ट कहीं ना कहीं कम है, तो एफर्ट्स को बनाने की तो करना ही पड़ेगा। ये अभी मैं भी तो एफर्ट बना के इतनी 2 घंटे 2.5 घंटे की ड्राइव करके आपके पास पहुँचा हूँ, डायरेक्टर साहब जहाँ बैठे मेरा इंतजार कर रहे हैं कि शर्मा जी आए नहीं है, तो ये एफर्ट है, एक कम्युनिकेशन है, एक आपस में आपसी कम्युनिकेशन जो हमें आगे बढ़ाने के लिए। और आप इंतजार कर रहे हैं कि 12 बजेंगे तो शर्मा जी आएंगे और फिर आप फीडबैक देते हैं कि अनिल जी आज ये था आज वो था, आपने इस चीज़ के ऊपर चर्चा नहीं की, आपके बहुत सारे सवाल हैं। इस बार भी देखता हूँ अगर एक आध के ऊपर चर्चा हो पाएगी, लेकिन पहले हम राशियों के ऊपर चर्चा करेंगे। 12 राशियाँ जिनको आज असफलता मिली है, मैं कहूँगा कि आपकी सफलता के लिए दुआएं हैं उस परमेश्वर से, आने वाले दिनों में आपको सक्सेस मिले, यह कामना करता हूँ आप सभी के लिए। और सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस समय में जो लगन है वो कैप्रिकॉन लगन जो है इस समय चल रहा है, तो कैप्रिकॉन यानी कि केतु इस समय शैडो नोड जो हैं, जो दो नोड्स प्लैनेट हैं जिसको हम कह देते हैं, वो हैं केतु और राहु, वो यानी कि आपके 7th हाउस और आपके 1st हाउस को पकड़े हुए हैं। इसका मतलब यह है कि जब कभी भी ये शैडो किसी की लगन से, किसी की राशि से गुजरती है या इस दशा से कोई गुजरता है, तो निश्चित तौर पर बहुत सारी चिंताएँ जो हैं वो होती हैं, लेकिन यहाँ जो देखा जा रहा है तो वो कुछ उल्टा ही दिखाई दे रहा है, तो चिंताएं कम, पॉजिटिविटी ज़्यादा दिखाई दे रही है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। एक कॉल लेते हैं उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हेलो जी। हेलो हेलो जी, हाँ जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी, तो बोल रहे जी। जी जी, मेरा नाम अमरीका जी। अमरीक जी, अमरीका थोड़ा पूछना सी, मेरे रिजल्ट तो बस 17/11/72 स्वेद द्वारा क्यों 17 11 हाँ जी 72 जी पंजाब से मेरा बात है। ठीक है जी, थोड़ा पूछना है काम कार वाला, पूछना है कितना भी कोई काम मैं शुरू करना चाहता हूं और प्राइवेट टैक्सी का। ठीक है, थोड़ा डेट टाइम की है थोड़ा ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਹਲੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ
ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੈਕਸੀ ਹਾਇਰ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੈ ਲਈ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਵੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਫੇਵਰੇਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਗਾ ਆ ਓਕੇ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਅਮਰੀਕ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਂਦੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੈਕਸੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਕੁਛ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਲੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੋ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਉਸ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚੋ ਅਤੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਸਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਏਰੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਰੀਕ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਆ ਉਹ ਏਰੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜੀ
ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਇਸੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਊਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੀ ਹੈ। ਗਲੋ, ਸੌਰੀ, ਗਲੋ ਬਿਊਟੀਸ਼ੀਅਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਗਲੋ, ਓਕੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਸਲੋ ਆ ਪਰ ਕੰਮ ਆਈ ਜਾਣਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਐਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਹੋਵੇ, ਇਕੱਲਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਰਨ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਲੋਕਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਨਰ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲੂਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਕੱਲੇ ਨਾ ਮੱਥਾ ਮਾਰੀ ਕਰੋ ਸਾਰੀ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਕਰੋ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਪਵਾ ਲਓ, 5% ਹੀ ਪਵਾ ਲਓ, ਪਵਾ ਲਓ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੋ, ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਪਾ ਲਓ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਰਸਨ, ਸੈਕਿੰਡ ਪਰਸਨ ਦੇਖੋ, ਥਰਡ ਪਰਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ 5% ਸ਼ੇਅਰ ਪਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਆਪਣਾ ਸਨ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ? ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ? ਅਰਜਨ ਕੁਮਾਰ ਹੈ। ਅਰਜਨ, ਹਾਂਜੀ, ਅਰਜਨ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਓਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਟਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ ਗੱਲ, ਬਣੂਗੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣੂਗੀ। ਕਿਹੜੇ ਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜੀ ਸਟਾਰ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਹੈਗਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਲਈ, ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਮੈਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਮਰੀਕ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਬਸਟੇਕਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈ ਸਕਦੀ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਦਿਨ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾਂ ਆਹ ਤਰੀਕ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾਂ ਆਹ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਓਕੇ ਜੀ ਅਮਰੀਕ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਐਸੀ ਸਵਾਲ ਹਮਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਤੇ ਹੈ ਔਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਪਰ ਜਬ ਆਪ ਨਈ ਜੋਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਹੈ ਤੋ ਆਪਕੋ ਯਹੀ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕਸੈਸ ਮਿਲੇ, ਆਪ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਏ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਆ ਥਾ, ਸਲੋ ਚੱਲ ਰਹਾ ਹੈ ਤੋ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਆ ਕਰੇ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੀਣਾ ਹੈ ਤੋ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪੜੇਗਾ, ਤਭੀ ਪੇਟ ਭਰੇਗਾ, ਤਭੀ ਹਮ ਮੋਰਗੇਜ ਜਾਂ ਰੈਂਟ ਜੋ ਵੀ ਹਮ ਦੇਤੇ ਹੈ ਵੋ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਹਮੇ ਕਰਨੇ ਹੋਗੇ, ਆਮਦਨ ਕੇ ਬਗੈਰ ਜੇ ਸਭ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਤਾ। ਤੋ ਦੁਨੀਆ ਮੇਂ ਜੀਣਾ ਹੈ ਤੋ ਕਾਮ ਕਰਨਾ ਪੜੇਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੋ ਨਾਮ ਭਜਨ ਕਰਨਾ ਪੜੇਗਾ, ਭਜਨ ਕੇ ਬਗੈਰ ਉਨਸੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ ਔਰ ਕਾਮ ਕੇ ਬਗੈਰ ਮਾਇਆ ਸੇ। ਤੋ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ੋਂ ਕਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਗਾ ਭਾਈ, ਕਿਆ ਕਰੇ, ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਮੇਂ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਸਾਥ ਚਲਾਨੀ ਹੈ ਤੋ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਖੈਰ, ਹਮ ਆਗੇ ਬੜੇ ਔਰ ਬਾਤ ਹਮ ਕਰੇਂਗੇ ਸਭਸੇ ਪਹਿਲੇ ਏਰੀਜ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੋਂ ਕੇ ਲੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਂ 12 ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਧੇ ਘੰਟਾ ਆਲਮੋਸਟ ਜੋ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੋ ਵਿਦਿਨ 1.5 ਆਵਰ ਹਮੇਂ ਜੇ ਸਭ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੋਗਾ। ਤੋ ਸਭਸੇ ਪਹਿਲੇ ਏਰੀਜ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਕੇ ਬਾਰੇ ਬਤਾਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਏਰੀਜ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੋਂ ਕੇ ਲੀਏ ਜੋ ਸਿਤਾਰੇ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਿਤਾਰੇ ਬਨੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਮੰਗਲ ਔਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੰਦਰਮਾ ਤੋ ਆਪਕੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸੇ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਮੰਗਲ ਖੁਦ ਆਪਕੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕੋ ਜੋ ਹੈ ਆਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਦੇਖ ਰਹੇ, ਪੂਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਜੁਪੀਟਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮਿਲ ਕੇ ਔਰ ਭਾਗੇਸ਼ ਹੈ ਜੁਪੀਟਰ ਆਪਕੇ। ਤੋ ਭਾਗੇ ਕਾ ਔਰ ਲਗਨੇਸ਼ ਕਾ ਸਹਾਰਾ ਆਪਕੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕੋ ਮਿਲਾ ਹੁਆ ਹੈ ਔਰ ਵਹੀਂ ਚੰਦਰ ਆਪਕੇ ਸੁਖ ਸਥਾਨ ਕੇ ਮਾਲਿਕ ਹੈ। ਤੋ ਐਸੀ ਸਥਿਤੀ ਮੇਂ ਘਰ ਗਾੜੀ ਆਦਿ ਕੀ ਜੋ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ ਵੋ ਅਗਰ ਆਪ ਲੈਣਾ ਚਾਹਤੇ ਉਸਸੇ ਜੁੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈਂ, ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੇ ਲਈ ਆਪ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੋ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਪਰ ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀਕ ਜੋ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਆਪਕੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਸਮੇਂ ਬਣਾ ਰਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸਮੇਂ ਆਪਕੋ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਤੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਬ ਵੀ ਚੰਦਰਮਾ ਕਿਸੀ ਰਾਸ਼ੀ 'ਚ ਆਤਾ ਹੈ ਤੋ ਚੰਦਰਮਾ ਕਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਗੁਣ ਰਹਿਤਾ ਹੈ, ਵੋ ਹੈ ਉਸਕੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ, ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ। ਤੋ ਏਰੀਜ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਮੇਂ ਜਬ ਆਤਾ ਹੈ ਤੋ ਫਾਇਰੀ ਵਾਟਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਔਰ ਫਾਇਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਪਸ ਮੇਂ ਮਿਲ ਜਾਤੇ ਹੈਂ, ਤੋ ਕਈ ਵਾਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਸੇ ਆਗ ਔਰ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੋ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਹੋਤਾ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਤੋ ਯਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਸੇ ਬਚੇਂ, ਗੁੱਸੇ ਸੇ ਬਚੇਂ, ਜੇ ਚੀਜ਼ੇ ਆਪਕੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮੇਂ ਡਾਲ ਸਕਤੀ ਹੈਂ, ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਕੇ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਰੱਖੇਂ,
अच्छा वेल प्लान करके आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे चंद्रमा के ऊपर आपका बल मिलेगा। चंद्रमा को आप कहें कि हाँ ऐसा कुछ चल रहा है तो इसको ठीक कैसे करें, चंद्रमा को मंगल के साथ मिला दिया जाए तो निश्चित तौर पे ये काफ़ी अच्छा रहता है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप अपनी माता, चंद्रमा को माता भी कहा जाता है, अगर आप अपनी माँ से, मदर से, एल्डरली लेडी से लाल रंग का कपड़ा, मंगल लाल रंग होता है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ कि क्या इसके पीछे लॉजिक है, अगर लाल रंग का कपड़ा आप अपनी मदर से या एल्डरली लेडी से लें तो वो निश्चित तौर पे चंद्र और मंगल का जो अलग अलग प्रभाव है उसको मिक्सअप करने की कोशिश करेगा और उसमें एक अच्छा कॉन्फिडेंस, एक अच्छा लेवल, एक अच्छी सोच, एक अच्छा विचार जो है आपको मिलेगा। लेकिन इस दौरान सेहत की जो सिलसिला है निश्चित तौर पे वो कहता है कि लहसुनिया लगन जो है, जो रत्न है, जेम स्टोन है, वो भी साथ में आपको धारण करना है। अगर आपकी कुंडली में ये बात तभी करनी है आपने, अगर आपकी कुंडली में भी कुछ ऐसा ही योग चल रहा है या कुछ ऐसी ही दशाओं का प्रभाव चल रहा है तब लहसुनिया जो है वो आपको आपकी हेल्थ से जुड़ी हुई मुश्किलों से बाहर निकलने में सहायता करेगा। बाकी तो जीपी साहब ही बताएंगे कि आपको आर्थराइटिस है, आपको इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है, आपको कॉलिक है, क्या है वो तो वही बताएंगे, सर में दर्द है तो उसके पीछे क्या कारण है, उसकी क्या मेडिकेशन हो सकती है। लेकिन रत्नों में लहसुनिया जो है, कैट्स आई जिसको हम कह देते हैं, वो निश्चित तौर पर चांदी में उसका पेंडेंट बना के गले में धारण करना भी आपके लिए लाभदायक हो सकता है, पर ये डिपेंड करता है आपकी कुंडली के ऊपर। तो इसका इस बात का भी साथ में आपने ध्यान रखना है। तो इस समय चंद्रमा का प्रभाव, सुख का साधन, घर गाड़ी का सुख, उसका एक्सपीरियंस, कुछ ना कुछ नया करना, रेनोवेट करना, एक्सटेंशन का प्रोग्राम बनाना, कुछ भी, वॉट एवर यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू डू, मुझे लगता है कि इस समय ग्रहों की स्थिति जो है वो आपकी फेवर में है। तो अमरीक जी भी अभी कह रहे थे कि मुझे गाड़ी का लाइसेंस मिल गया, तो ये अच्छी बात है। ग्रहों की स्थिति ऐसी ही होती है, जब आपकी फेवर में हो जाती है तो निश्चित तौर में आपको सफलता मिलती है। तो अमरीक जी, आपकी राशि एरीज है जिसके बारे में अभी चर्चा कर रहा हूँ, तो ये कहूँगा कि यह निश्चित तौर पर एक अच्छा समय है, लेकिन साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कई बार कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो जिसके लिए आप ऑथराइज होते हैं, आपको वो लेनी होती हैं, आपने उसमें प्लस माइनस यस नो करना होता है, तब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कई बार आप एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी या किसी दूसरे का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कोशिश करते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि ऐसी कोई भी गलती ना करें, क्योंकि जब आपके पास कोई अधिकार नहीं है लेकिन आप तू कौन मैं खामखा जैसी बात करते हैं, आप दूसरे के मसले में कूद जाते हैं कि मैं कर लूँगा, मैं हूँ इसके साथ, मैं, मुझे पता है ये क्या है, आपको पता कुछ नहीं है, लेकिन आप अपनी हैबिट की वजह से या अच्छाई की वजह से या अपनी मित्रता की वजह से किसी भी कारण से लगा लीजिए, आप कूद जाते हैं उस मसले में, तो ध्यान रखिएगा इसका असर आपके लिए अच्छा होने वाला नहीं है, आपको इसका रीपे करना पड़ेगा और इसको आपको खमियाजा इसका भुगतना पड़ेगा। थोड़ा सावधान रहें, किसी के मसले में किसी की गारंटी वारंटी विटनेस जो है इस समय आपको करना हानिकारक हो सकता है, तभी करें जब आप सब कुछ जानते हैं, अन्यथा नहीं तो मुश्किल के लिए तैयार हो जाएं, आपको कोई नोटिस जो है वो आ सकता है, तो आपके अगेंस्ट कंप्लेंट हो सकती है, थोड़ा ध्यान रखिए। ये ब्रेक के बाद हम बात जारी रखेंगे, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। हजारों लोग हर रोज सुबह से रात तक कभी न कभी एमए टीवी जरूर देखते हैं। दे माइट बी योर फ्यूचर कस्टमर्स, बट यू हैव टू टेल देम अबाउट योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। लेट्स ग्रो योर बिजनेस विद एमए टीवी। एडवर्टाइज, प्रमोट एंड मार्केट योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑन एमए टीवी। कॉल एमए टीवी सेल्स ऑन 07970337036 और 0208795 0026। जामवंत के बचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति भारे, तब लगी मोहि परखे हो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल यावर राम चंद्र पद जय शरण, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। नमस्कार। नमस्ते। I love India. So, travel a lot? No, just on business. You love India without experiencing it? But I have experienced it, right here on Air India. I always fly Air India. Me too. Now fly anywhere to anywhere. Earn and redeem miles via 27 Star Alliance partners. Air India, proud to be Indian, proud to be global.
हेस्टन हाइड वेस्ट लंदन के सबसे शानदार होटल्स में से एक विथ 303 एयर कंडीशन रूम्स एंड स्वीट्स, वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक्वेट स्पेसेस इन लंदन, मीटिंग रूम फॉर अप टू 1200 पीपल, कॉन्फ्रेंसेस, म्यूजिकल फंक्शन, वेडिंग्स या कोई भी गैदरिंग, मनपसंद भोजन, शानदार आयोजन और बेहतरीन वेन्यू, 400 गाड़ियों की पार्किंग के साथ हेस्टन हाइड। फॉर बुकिंग्स कॉल 0208-572-1818। राजनीति, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक या कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय, राजनीति के गलियारों में अलग अलग नुक्कड़ों पर व्यक्तियों के बीच, धार्मिक संस्थाओं के बीच, कभी कभी राष्ट्रों के बीच या कभी कभी व्यक्तिगत, एक राजनीति लगातार चलती रहती है और यही राजनीति हम लेके आ रहे हैं हर बुधवार शाम 7 बजे आपके एमए टीवी पर। देखना मत भूलिए राजनीति। And like a mobile, we do things your way. With our new UK Plan Super, you can now enjoy 6 GB of ultra-fast 4G data, unlimited UK minutes and texts, plus 100 international minutes to selected countries for the low price of just £15 for 30 days. Experience a faster world with our 4G network. Terms and conditions apply. To order your free SIM, visit leicamobile.co.uk today. Your data, your way. Leica Mobile. वेलकम बैक जी, स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। और हम बात चर्चा कर रहे हैं राशियों के बारे में, तो कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे ब्रेक में काफ़ी गुफ्तगू हुई है, हंसी मजाक की बातें होती रहती हैं, लेकिन उनका जो सवाल है उसमें भाई कामयाबी मिलती हुई दिखाई दे रही है आपको, तो आप कह रहे हैं कौन सी मिठाई, तो आप जो पसंद करेंगे हम वही खा लेंगे, क्या बात है, भगवान को हम पूछ के थोड़ी ना मिठाई लेके जाते हैं। नहीं नहीं बिल्कुल सही बात है अनिल जी, आपने 4 साल पहले मेरी वाइफ को बोला था कि ये काम करो आपको सारा कुछ ठीक होगा, वो बिल्कुल ठीक हुआ, आपने किया तभी ठीक हुआ, उसी टाइम जिस दिन हम करके आए उसी उससे नेक्स्ट डे ही हो गया था। वेरी गुड, बहुत अच्छा, ये क्रेडिट आपको ही आता है, सबसे ज्यादा क्रेडिट आपकी वाइफ को जाता है। हाँ बिल्कुल, उसको तो है। अब बताएं आपके लिए क्या करूं और क्या इसके अलावा के सवाल है? आगे ये होने के बाद कब तक काम मैं शुरू करूं, क्या कर सकता हूं? देखिए मैं एक चीज बता दूं कि आपके पास जो अभी टाइम चल रहा है, अगर मैं जो मैं देख पा रहा हूं, अगर मैं उसमें कहूं तो मुझे लगता है कि आपका 2016 से एक टाइम पीरियड शुरू हुआ है और वो धीरे धीरे करके, एक जैसे होता है ना कोई चीज़ की शुरुआत हो गई, एक फाउंडेशन हम रख रहे हैं, धीरे धीरे करके उसके ऊपर हमें बिल्डिंग बनानी है, वो बनती चली जा रही है। और 18 मार्च के बाद आपके पास फुल राइट्स होंगे कि आपने क्या करना है, किस तरफ जाना है और किस तरह से अपनी लाइफ को सेटल करना है। अच्छा, अभी इसका आउटकम कितने टाइम में आएगा? ये तो आप मान लीजिए आज का नक्षत्र है वीनस का और वीनस जो है इस समय एक अच्छी पोजिशन में बैठे हुए, तो मुझे ये लगता है कि ज़्यादा देरी नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि डिपेंड करता है, क्योंकि जब कानूनी कार्रवाई होती है उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन विद इन 3 मंथ ही आ जाना चाहिए, अगर ज्यादा लंबा नहीं लेंगे तो विद इन 3 मंथ आपके पास ये गुड न्यूज आ जानी चाहिए। मतलब स्ट्रेट आएगा ना, अभी कुछ और मांगेंगे या कुछ? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि जो सितारों की पोजीशन है वो नहीं दिखा रही है कहीं भी कि ऐसा कुछ होगा। वेरी गुड, हाँ थैंक यू अनिल जी। फैमिली लाइफ, मतलब मैं आगे काम को अपना कर सकता हूँ? बिल्कुल करना कर सकता हूँ का सवाल ही नहीं है संदीप जी, काम तो करना ही पड़ेगा। देखिए मैं जहाँ बैठा हूँ ये भी मेरी एक जॉब है, टू बी ऑनेस्ट, हमें सभी को करना पड़ेगा, ये तो सवाल करना ही बेबुनियाद है। अच्छा, और आपको करना है, मैंने कह दिया कि बिल्डिंग उसकी बुनियाद रखी जा चुकी है, अब आपने बिल्डिंग बनानी है उसके ऊपर। और मार्च 2018 के बाद जैसी, और एक अच्छी बात आपको बता रहा हूँ कि जैसी आप चाहेंगे वैसी बिल्डिंग बनेगी। वाह फिर तो ठीक है, इससे अच्छी अब बात क्या हो सकती है? नहीं नहीं फिर मेरे को और कुछ पूछने की जरूरत भी नहीं है। बिल्कुल, मुझे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ज्यादा सवाल नहीं है, जरूरत है या कुछ नहीं, किसके बारे में? मैं कहा कुछ हमको कुछ करना चाहिए उपाय, कुछ उपाय में एक चीज मैं आपको कहूंगा कि आप कर दीजिए, क्योंकि अभी अभी आपका बर्थडे गया है सितंबर में, तो थोड़ा सा उपाय अगर आप कर सकते हैं तो वो कर दीजिए। आप अगर हो सकता है तो जो छोटी बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, उनको मिठाई दान करिए। अगर आपको लगता है कि बच्चियों को जहां तो बड़ा मुश्किल है शर्मा जी क्या करें, तो आप माता जी के मंदिर में जाएं, तो वहां खोए के पेड़े जो हैं वो उनको दें। यहाँ मंदिर भी नहीं है, गुरुद्वारा तो है, गुरुद्वारा आया था, गुरुद्वारे लंगर से सेवा करो। लंगर तो मैं जाना कई बार, लेकिन हुण टाइम नहीं लगता, टाइम तो बनाना पड़ेगा ना, टाइम तो देखो आप बहुत कुछ मांगते हैं, टाइम तो कटना पौगा ना।
ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਭਾਂਡੇ ਹੀ ਧੋ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਹੇਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਿੰਪਲ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਈਫ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨਾ ਵਾਈਫ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰੇਗੀ ਨਾ, ਪਾਰਟ ਪਲੇ ਕਰੇਗੀ, ਉਨਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣਾ। ਹੈਲਥ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ? ਹੈਲਥ ਠੀਕ, ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਚੰਗਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਜੋੜ ਜਿਵੇਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਾਂ ਟਾਂਗੇ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਆਉਣਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਯੂਕੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਆਲ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਮਾਈਨਸ ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਖੜਾ ਆ, ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੀਟਿੰਗ ਹੂਟਿੰਗ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਲਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਟਾਈਮ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੀਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਨਲ ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਐਕਸਟਰਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਅਨਿਲ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਤੁਹਾਡਾ। ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਉਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਮੋਹਰੇ ਜਿਹੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਹਦੇ ਹੀ ਨੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਓਕੇ ਜੀ, ਓਕੇ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜੀ ਹਾਂ, ਹਮ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਥੇ ਏਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ, ਤੋ ਆਪਕੇ ਲੀਏ ਜੋ ਆਪਕਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੋ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਉਮੀਦ ਜੇ ਕਹੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੋ ਦੁਆਏ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੇ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਆਪਕੇ ਲੀਏ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੋ ਏਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੋ ਕੇ ਲੀਏ ਕਹਿ ਰਹਾ ਥਾ ਕਿ ਕਿਸੀ ਕੀ ਉਲਝਨ ਮੇਂ ਨਾ ਭਾਈ ਪੜੇ ਤੋ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੋ ਕਹੀਂ ਨਾ ਕਹੀਂ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਕਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੜ ਸਕਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ। ਔਰ ਸੂਰਿਆ ਆਰਾਧਨਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਏਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਪਕਾ ਮੂਨ ਸਾਈਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਪਕਾ ਸਨ ਸਾਈਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਪਕਾ ਅਸੈਂਡੈਂਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਪਕਾ ਨਾਮ ਕਾ ਹੈ, ਆਪਕੋ ਸੂਰਿਆ ਆਰਾਧਨਾ ਅਭੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਪਕੋ 40 ਦਿਨ ਅਭੀ ਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਜਾਂ ਆਨੇ ਵਾਲੇ ਸੰਡੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ, ਔਰ 40 ਦਿਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਿਆ ਕੀ ਜੋ ਗਤੀ ਹੈ ਇਹ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀ ਔਰ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਸਕਸੈਸ ਲੀਏ ਹੋਏ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਆਪਕੋ ਇੱਕ ਐਸੇ ਦਾਇਰੇ ਕੀ ਔਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਹਾਂ ਅਗਰ ਸੂਰਿਆ ਉਪਾਸਨਾ ਕੀ ਜਾਏ, ਸੂਰਿਆ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀ ਜਾਏ, ਸੂਰਿਆ ਕੋ ਜਲ ਦਿਆ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਵੀ। ਦੇਖੀ ਅਭੀ ਸੂਰਿਆ ਆਜ ਧੂਪ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਜਬ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਤੋ ਮੈਨੇ ਆਰਾਮ ਸੇ ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਜਾਤੇ ਹੈ ਯੂਰਪ ਮੇਂ, ਇਤਨੇ ਪੈਸੇ ਵਹਾਂ ਲਗਾਤੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਧੂਪ ਮੇਂ ਬੈਠਤੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਜ ਗਾੜੀ ਮੇਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੋ ਲੈ ਲਓ। ਤੋ ਕਹਿਣੇ ਕਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਿਆ ਇੱਕ ਐਸੀ ਊਰਜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਜੀਵਨ ਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਮੇਂ ਊਰਜਾਨਵਿਤ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਹਮਾਰੇ ਮਨੋ ਹਮਾਰੇ ਮਨ ਕੋ ਬਹੁਤ ਚੈਨ ਮਿਲਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਕੂਨ ਮਿਲਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਕੋ ਹਮ ਪੈਸੇ ਸੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਤੇ ਹੈ, ਟੂ ਬੀ ਓਨੈਸਟ। ਤੋ ਯਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸੂਰਿਆ ਆਰਾਧਨਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਏਰੀਜ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੋਂ ਕੇ ਲੀਏ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਾਅ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਬਣ ਸਕਤਾ ਹੈ। ਸਾਥ ਹੀ ਸਾਥ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਘਰ ਗਾੜੀ ਔਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਔਰ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੋ ਆਪ ਕਰੀਏ, ਉਸਮੇ ਆਪਕੋ ਲਾਭ ਹੋਗਾ। ਵਹੀਂ ਕੇਤੂ, ਕੇਤੂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਕੇ ਹਾਊਸ ਔਫ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਮੇਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਔਰ ਕੇਤੂ ਕੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਵੋ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਮੇਂ ਵੋ ਦਿਖਾ ਰਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਬ ਆਪਕੋ ਨਈ ਨਈ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ, ਵੋ ਆਪਕੋ ਅਬ ਆਗੇ ਬੜਾਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੋ ਅਕਸਰ ਹਮ ਕਿਆ ਕਹਿਤੇ ਹੈ, ਆਪਕੇ 10th ਹਾਊਸ ਮੇਂ ਕੇਤੂ ਹੈ ਤੋ ਆਪਕੀ ਤੋ ਅਬ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣੇ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਹਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਾਹੂ ਕੇਤੂ ਸ਼ਨੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰਹਿਓ ਕੋ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਕੀ ਕੁੰਡਲੀ ਮੇਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਤੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਕੇ ਲੀਏ ਇੱਕ ਅਸੀਮ ਬਲ ਲੀਏ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਕੋ ਜਹਾਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੁਝੇ ਫੋਨ ਕਰਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਕਬ ਹੋਗੀ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਬਣੇਗੀ, ਤੋ ਏਰੀਜ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਕੇ ਅਗਰ ਲੋਕ ਕੁਛ ਸ਼ਾਦੀ ਕਾ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੋ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਪਰ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਸਥਿਤੀ, ਜਹਾਂ ਸਥਿਤੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹਾ ਹੂੰ, ਆਪਕੋ ਆਗੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਏ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਪਰ ਇਸ ਪਰ ਆਪਕੋ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਤੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੇ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅੱਛੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਆਨੇ ਵਾਲੇ ਵੀਕ ਮੇਂ ਬਣਤੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ ਕਾ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਆਪ ਲੋਕੋਂ ਕੇ ਲੀਏ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੈਸੇ ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਦਰ ਔਰ ਮੰਗਲ ਕਾ ਇੱਕ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਐਸਾ ਹੈ, ਜਿਸਮੇਂ ਅਕਸਰ ਕਰ ਚੰਦਰਮਾ ਇੱਕ ਹਮੇਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਜੈਸੇ ਹੋਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਬਾਤ, ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਕੀ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਵੋ ਦਿਖਾ ਰਹਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਅਭੀ ਤੋ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਭੀ ਤੋ ਚੰਦਰਮਾ ਖੁਦ ਐਨਰਜੀ ਮੇਂ ਹੈ, ਹਮ ਰਾਤ ਕੋ ਸਕਾਈ ਮੇਂ ਮੂਨ ਦੇਖ ਸਕਤੇ ਹੈ ਅਗਰ ਕਲਾਊਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਦਰਮਾ ਪੂਰਨਿਮਾ ਕਾ ਜੋ ਹੈ ਚਾਨਣ ਪਕਸ਼ ਕਾ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਤੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋ ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜੇ ਸਥਿਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਕੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਤੀ ਹੈ, ਆਪਕੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਤੀ ਹੈ। ਤੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਸਥਿਤੀ, ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਏਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੋ ਕੇ ਲੀਏ ਇੱਕ ਔਰ ਵੀ ਅੱਛੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਚੰਦਰਮਾ ਜੋ ਪੂਰਨਿਮਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਬ ਚੰਦਰਮਾ ਆਪਣੀ ਉੱਚ ਰਾਸ਼ੀ ਮੇਂ ਹੋਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੌਰਸ ਰਾਸ਼ੀ ਮੇਂ
फ़ायदे जो हैं उनसे ही सब फ़ायदों का फ़ायदा लिया जा सकता है। घर अच्छा हो, गाड़ी अच्छी हो, पैसे हो, लेकिन साधन ना हो, शरीर अच्छा ना हो, तो वो सब फीके फीके से लगते हैं। तो उसका उपाय आपको दिया है कि सूर्य आराधना करना इस समय आपके लिए बहुत 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 शुभ मंगलकारी होगा। और सूर्य की आराधना जब हम करते हैं तो आपको पता है सूर्य आराधना कौन सी? एक सूर्य हमें आसमान पर दिखाई देता है, थोड़ा इसको थोड़ा डीकोड कर देते हैं, डिस्क्लोज करें कि सूर्य क्या है। एक सूर्य आपको आसमान में दिखाई देता है, उसकी हम आराधना करते हैं, लेकिन एक सूर्य जो है हम खुद हैं, क्योंकि हमें ही तो सब कुछ, जैसे वो सूर्य निरंतर काम करता है, इसी तरह से हम भी अपनी ज़रूरतों को खुद ही पूरा करते हैं। इसका मतलब अगर आप अपनी देखभाल करना शुरू कर दें कम से कम आने वाले 40 दिन, तो निश्चित तौर पर यह सूर्य आपको बहुत अच्छा फल देने वाला है। तो अब तो शायद सूर्य को आप समझ गए होंगे कि सूर्य क्या है। तो इसलिए जो लोग ये कहते हैं ना कि ये सब वहम है, ये सब भ्रम है, मैं समझ सकता हूँ उनकी बात, भाई कभी जानो कभी समझो। तो निश्चित तौर पे हर इंसान जो इस संसार में दिखाई देता है, हर पेड़ जो दिखाई देता है, वो अपने आप में सूर्य है, क्योंकि उसको खुद ही अपनी मंजिल को तय करना होता है उसी सूर्य की तरह जो आसमान में दिखाई देता है। तो सब कुछ उसके इर्द गिर्द घूमता है, इसी तरह से लोग हमारे इर्द गिर्द, हम किसी के इर्द गिर्द घूमते हैं, तो वो सूर्य के इर्द गिर्द ही एक परिक्रमा होती है। तो जान लीजिए भाई आप किस सूर्य की आराधना करना चाहते हैं। जिस सूर्य की हम बात कर रहे हैं असल में वो सूर्य आप ही हैं। अपनी सेहत का ध्यान तो आपको खुद ही रखना होगा, तो थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान में रखें। खैर आगे बढ़ते हैं, तो साथ में ये कहूँगा कि इस समय खुराक में आप जितना हो सकता है पानी का उपयोग करें, पानी खूब पिए, लस्सी खूब पिए, ये आपके लिए अच्छी होगी। लेकिन वहीं साथ ही साथ सत्संग आदि का अगर मौका मिले तो ज़रूर करें। ऐसे धार्मिक स्थलों की यात्रा भी आपके लिए लाभदायक होगी, धार्मिक स्थान में आते जाते रहना भी आपके लिए मुबारक होगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। शनि बुध आपके बहुत अच्छी पोजीशन में बैठे हुए, भाग्य में बैठे हुए हैं। शनि भाग्य में कुछ देर तक इसने फल नहीं दिया, लेकिन अब शनि तैयार है आपको भाग्य, आपके भाग्य को रफ्तार देने के लिए, और बढ़ रहे हैं आगे धीरे धीरे करके, और आपको लाभ देंगे ऐसी उम्मीद है। तो एरीज राशि वाले के लिए ये आने वाला दिन, आने वाला हफ्ता एक अच्छा हफ्ता साबित होने वाला है। सेहत का ध्यान रखें, बस यही आपने ध्यान देना है, और किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल ना रहें, ये दूसरी बात आपको ध्यान देनी है। अगर बात करें टॉरस राशि की, टॉरस राशि वाले कहूँगा कि निश्चित तौर पे अष्टम का ढैया आपके ऊपर चल रहा है, और साथ ही साथ सूर्य सेवंथ हाउस में है, तो सूर्य और शनि साथ साथ हैं, नेगेटिव भावों को पकड़े हुए हैं। अष्टम का ढैया और सूर्य का सेवंथ हाउस में होना कहीं ना कहीं चिंता का कारण है। पार्टनर की हेल्थ को लेकर चिंता होगी, खुद की हेल्थ को लेकर चिंता हो सकती है, किसी माइनर सर्जरी से गुजरना पड़ सकता है। थोड़ा सा ध्यान दें, खाने पीने का ध्यान दें। भाई मानते हैं कि अब आखिरी महीना है, हम चाहते हैं सेलिब्रेट करें, भूल जाएं पुरानी यादों को, कुछ नया लेके आगे बढ़ें। तो मैं कहूँगा कि इस सब हाइपर होके या इतने एक्साइटेड होके कुछ ऐसी गलती ना करें जिससे आपकी हेल्थ को हार्म हो। और ख़ास तौर पे अल्कोहल का प्रयोग बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि हम जब शराब की बोतल खरीदते हैं तो उसके ऊपर भी लिखा होता है कि भाई ये सेहत के लिए ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी हम पीते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि टॉरस राशि वालों को इस समय इस चीज़ का ध्यान रखना होगा, और आपको अपने एंगर के ऊपर बहुत ज़्यादा काबू रखना। सूर्य जब भी राशि को देखता है तो एंगर निश्चित तौर पर आता है। हालांकि आप फेमस हैं, आप जितना शांत इंसान मैंने नहीं देखा, लेकिन जब आपको गुस्सा आ जाए तो आप जैसा गुस्सैला भी कोई नहीं होता है। तो यही कहूँगा कि कुछ चीज़ें हैं जो पार्टनर की हेल्थ को लेकर, आपकी खुद की हेल्थ को लेकर चिंता दे सकती हैं। शादी के लिए बिल्कुल अच्छा समय नहीं है, कुछ भी ऐसा प्लानिंग ना करें, पोस्टपोन कर देना चाहिए, कम से कम 17th December तक तो जरूर कर देना चाहिए। उसके बाद अगर आप आगे बढ़ना चाहें तो निश्चित तौर पे करें, ये आपको थोड़ा सा ध्यान जो है इसमें देना होगा। वहीं साथ ही साथ कहूँ चंद्रमा इस समय, क्योंकि चंद्रमा का बहुत बड़ा रहता है, और चंद्रमा आपको दिखा रहा है कि सडन यात्राओं के लिए आपको बढ़ा रहा है, तो यात्रा करनी पड़ सकती है, यात्रा के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। और अगर यात्रा की प्लानिंग आप कर रहे हैं और आप सोचते हैं मुझे तो 2 महीने बाद जाना है, तो ये समय एक ऐसा समय है जिसमें आपको जो एयर टिकट है वो ले लेनी चाहिए, उसमें एक अच्छी डील आपको मिल सकती है जिसमें आपका कुछ फ़ायदा हो सकता है। तो कुल मिला के स्थितियाँ इस तरह से बनी हुई हैं आपकी कुंडली में जो चिंता दे रही हैं, लेकिन आपकी समझदारी से, अपनी समझदारी से आप इन सब चीज़ों को बना पाएंगे, इनसे आगे निकल पाएंगे। जहाँ तक धन की बात है, धनेश आपके अष्टम भाव में बैठे हो, तो ध्यान रखें गाड़ी पार्क करते समय, ड्राइव करते समय, कई बार हम देरी से चलते हैं लेकिन ड्राइविंग बहुत फास्ट करते हैं, तो स्पीडिंग की वजह से आपको मुश्किल आ सकती है, गलत पार्किंग की वजह से मुश्किल आ सकती है, किसी तरह का फाइन आपको, पेनल्टी आपको मिल सकती है। ध्यान रखें कि पैसा आपने बड़ी मेहनत से कमाया है, छोटी सी गलती से वो पैसा आपके हाथों से जाए ये सही नहीं है, क्योंकि मर्करी की पोजीशन जो है इस समय कुछ ऐसा ही दिखा रही है। हाउस ऑफ फाइनेंस का लॉर्ड कहीं ना कहीं फाइन की ओर इंगित कर रहा है, और साथ ही साथ कोई ऐसा हो सकता है कि जैसे गाड़ी चला रहे थे या किसी ने आपको हिट कर दिया है तो आपको क्लेम करना पड़ सकता है। तो चलो क्लेम करना चाहिए, अगर कुछ ऐसा हुआ है तो, इंजरी होती है तो क्लेम करते ही हैं, समझ सकता हूँ।
ये बात कहीं ना कहीं आपके लिए फेवरेबल हो सकती है, लेकिन चोट यार कहाँ फेवरेबल होती है, तो चोट नहीं लगनी चाहिए। तो कोशिश करें, सावधान रहें, सावधानी में ही सब कुछ अच्छा है। कुछ ऐसा ना ही हो, आप अपनी मेहनत से अपने बलबूते पे अर्निंग करें और उनको इंजॉय करें, अच्छी बात है। फाइन के माध्यम से पैसे का जाना या चोट आदि खाकर पैसे का आना कहीं भी लाभदायक नहीं होता है। बहन भाइयों की बात करूँ तो निश्चित तौर पर समय राहु जो है आपके सिबलिंग को अच्छी तरह से पकड़े हुए हैं। इसका मतलब है कि बहुत कुछ उनके दिमाग में चल रहा है, बहुत कुछ वो करना चाहते हैं और राहु निश्चित तौर पे उनको देने के लिए तैयार भी हैं। तो खास तौर पे उनको जॉब से जुड़ी ही सफलता मिलेगी, संतान से जुड़ी ही सफलता मिलेगी, उनको इंटरव्यू में कामयाबी मिलेगी। अगर वो किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं तो निश्चित तौर पे एक सफलता का दौर उनके लिए बना हुआ है। दोस्त मित्रों का सहयोग आपको मिलता रहेगा निश्चित तौर पे। टॉरस राशि वालों के लिए ये एक्सटर्नल जो हेल्प है वो कहीं ना कहीं और उनकी तरफ से जो खुशियां हैं, बात जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं आपको सुकून देने वाली हैं। जहां आपके घर की बात है तो घर का लॉर्ड जो है सूर्य, इस समय वो दिखा रहा है कि कुछ प्लानिंग चल रही है लेकिन उसमें कुछ ना कुछ रुकावट आती चली जा रही है, मैच्योर नहीं हो पा रही है। तो अभी आपको इसी स्थिति में संतोष करना होगा, प्लानिंग करते रहिए, जब समय बदलेगा तो निश्चित तौर पर आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन आने वाले दिनों में देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात हो रही है जिसमें कुछ झगड़ा दिखाई दे रहा है, तो प्रॉपर्टी को लेकर सावधान रहें, बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो मुश्किल होगी। जहाँ तक आपके संतान की बात है, संतान अपनी तरफ से बहुत अच्छा करेगी लेकिन आपके संतान के साथ संबंध जो है कहीं ना कहीं कुछ कमज़ोर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आर्गुमेंट करने के बजाय है चीज़ों को सुलझा लेना, समझ लेना कि आखिर उनके दिल में क्या चल रहा है और आप क्या चाहते हैं, और जहाँ बीच की बात बन जाए उसको बना लीजिए। फोर्स करके हम कभी किसी से कुछ करवा नहीं सकते और करवाना भी नहीं चाहिए, ये गलत बात है, क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जीना सीखना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं, तो किसी के ऊपर अधिकार नहीं। प्रेम से सब कुछ हो सकता है, प्रेम से ही संतान को पैदा किया जा सकता है, प्रेम से पैदा की ही संतान ही उत्तम संतान होती है। नहीं तो संतान तो सबके पास है लेकिन उत्तम किसके पास है, ये यहीं से पता चल जाता है कि कहाँ प्रेम था और सिर्फ एक इच्छा थी। इच्छाओं का दमन करना कई बार अच्छा होता है, नहीं तो इसके जो दुष्परिणाम है वो हमें मिलते हैं। वहीं अगर आपके सिक्स्थ हाउस की बात करूं तो निश्चित तौर पे सिक्स्थ हाउस की पोजीशन जो है वो कहीं ना कहीं मंगल और जुपिटर की जो स्थिति है वो कमज़ोर, क्योंकि जुपिटर एट्थ हाउस के कारक होकर सिक्स्थ हाउस में आ गए। तो मैं ये कहूँगा कि झगड़ों से बचें, आर्गुमेंट से बचें, अपने जूनियर सीनियर कलीग के साथ अच्छे संबंधों को बनाने की कोशिश करें और सावधान रहें, गुस्से पर काबू रखना बहुत ज़रूरी है। सेवन्थ हाउस की बात मैंने पहले कह दिया कि शादी के लिए अच्छा समय नहीं है, पार्टनर को लेके चिंता हो सकती है तो थोड़ा ध्यान दें। एक्सीडेंट की बात मैंने बता दी है, शराब स्टोर नहीं करनी है बिल्कुल ही, उसका प्रयोग ना करें। घर में बैठे हैं तो ठीक है, एंजॉय कर लें, कोई बात नहीं है, घर में अकेले बैठ के एंजॉय कहाँ होता है, आपको तो जाना होता है पार्टी शार्टी में वीकेंड के ऊपर, तो वीकेंड है भाई आज, तो ध्यान रखें, जरूर सेलिब्रेट करें लेकिन एक लिमिट में रहते हुए आपको ये सब करना है, क्योंकि सितारा कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ कमज़ोर और कुछ नेगेटिव लिए बैठा है इस मामले में, तो थोड़ा सावधान रहें। वहीं अगर भाग्य की बात करूं तो केतु आपके भाग्य में, तो मैं कहूंगा कि केतु आपके भाग्य में बैठे हुए भाग्य को बढ़ा रहे हैं लेकिन उलझनों को भी साथ में लेके आ रहे हैं, तो उलझनों को सुलझाने का तरीका आपको ढूंढना है। भाग्य अपना काम करता रहेगा तो समझदारी से काम लेना, आपके अलावा कौन जान सकता है, तो मैं समझ सकता हूँ कि आप इन सब चीज़ों से पार पा पाएंगे। आपकी जॉब का मामला देखूँ तो जॉब बिजनेस, इसमें आपको एक्स्ट्रा एफर्ट बनाने पड़ेंगे, खूब मेहनत करनी पड़ेगी और फिर आप उसमें लाभ बना पाएंगे, लेकिन वो लाभ जो आप बनाएं वो कहीं नुकसान में ना चला जाए, इस बात का ध्यान आपने रखना है। प्रॉफिट की बात करूं तो निश्चित तौर पे जुपिटर प्रॉफिट के मामले में अच्छा है, प्रॉफिट बना पाएंगे लेकिन उसके लिए आपको एक अच्छे एजेंट की तरह काम करना होगा। जिस तरह से कमीशन पे काम करने वाले लोग जो हैं वो चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से बेचते हैं, तो इस समय आपको वही करना है तो उससे आपको लाभ होगा। यात्राओं का सिलसिला है उसके संबंधी आपको प्लानिंग करनी होगी, लाभ बनेगा। तो शराब का प्रयोग ना करें, शराब को स्टॉक ना करें, हो सकता है तो इस समय के दौरान अपने ही घर की बहन बेटियों से युद्ध ना करके, उनसे झगड़ा ना करके उनकी ब्लेसिंग आपके काम आएगी। अगर उनकी जुबान से कुछ भी ऐसा निकला तो वो पत्थर पे लकीर की तरह हो सकता है, तो झगड़े से बचना ही लाभदायक होगा। बात करूँ अगर जेमिनी राशि की, मिथुन राशि के लोग, धन के मामले में आपका सितारा बहुत बहुत मजबूत चल रहा है, पार्टनरशिप के माध्यम से आपको धन लाभ हो सकता है, लेकिन साथ ही साथ ध्यान दें कि कोई भी डील साइन करते वक्त, पार्टनरशिप करते वक्त आपको हर एक चीज़ को क्लियर कर लेना, एक रिटर्न एग्रीमेंट आपका होना चाहिए, उसके ऊपर आपको साइन और दूसरे के साइन लेने हैं। विश्वास में आपके साथ धोखा हो सकता है,
तो धोखे से बचना है तो निश्चित तौर पे आपको चीज़ का ध्यान देना होगा। वहीं आपकी सेहत के मामले को कहूँगा सावधान रहें, खासतौर पे वो लोग जिनको लंग प्रॉब्लम है, जिनको ये सीजनेबल चेंज आजकल ठंडी हो गई है तो उसकी वजह से भी दिक्कतें होती हैं, तो आपको खासतौर पे ध्यान देना है। साथ ही साथ आपकी अगर डाइट बहुत ख़राब है, आपकी काम करने का तरीका कुछ ऐसा जिसमें आप अपनी डाइट को अच्छे से मेंटेन नहीं कर पा रहे, तो निश्चित तौर पे आपको लोअर एब्डोमेन में, रेक्टम एरिया में कुछ तकलीफें हो सकती हैं। तो थोड़ा अपनी डाइट को अच्छा करें, स्पाइसी फूड बिल्कुल ना खाएं तो अच्छी बात होगी, अन्यथा फिर आपको ये सब चीज़ों से गुजरना पड़ेगा। छोटी छोटी यात्राएँ, बिजनेस से जुड़ी हुई प्लानिंग जो भी आप करते हैं, हमेशा ही आप करते हैं, लगी रहती हैं, तो वो आपके लिए अच्छी होगी। मुझे ये लगता है कि जेमिनी राशि के लोग जो हैं, जो छोटी जाति यात्राएं जितनी इनकी होती हैं, विद इन द कंट्री, आउट ऑफ द कंट्री जो भी होती हैं, ये सबसे ज़्यादा करते हैं और ये लाभ भी बनाते हैं। इनमें एक अच्छी बात हुई कि लाभ बनाने में कामयाब होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं और आप इसको लेके लाभ की ओर आगे बढ़ रहे हैं। वहीं सूर्य बहुत बड़ी रोल प्ले करता है वीकली फॉरकास्ट में, जहाँ मून, सूर्य और लगन तीनों ही चीज़ें बहुत काम करती हैं। सूर्य का एक अपना परिवार, सूर्य आपके षष्ठ भाव में आकर बैठ गए हैं, तो ये कहूँगा कि सूर्य जब भी षष्ठ भाव में आते हैं तो इनकी ऊर्जा आप तक नहीं पहुँच पाती है, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा और ज़्यादा एफर्ट बनाने पड़ेंगे। तो सूर्य के एफर्ट को बनाने के लिए सबसे अच्छा उपाय यही होता है कि अपनी बेटी जो शादीशुदा हो उसके बच्चों को कुछ ना कुछ दिया जाए, यानी कि अपने ग्रैंड चिल्ड्रन जो हैं अगर आपके, उनको अगर आप कुछ देते हैं तो बहुत लाभ होगा। अगर ऐसा कुछ नहीं तो आप अपने ननिहाल से जुड़े हुए लोगों की मदद करें, उनसे भी आपको लाभ होगा, तो इससे आपको एक्स्ट्रा हेल्प मिलेगी। आप जो चीज़ आपकी प्लानिंग चल रही है जिसमें आपको लगता है कि डील आज हो जाएगी, आज मुझे ये एग्रीमेंट जो मेरा डील है वो मैच्योर हो जाएगी, मुझे इतना फाइनेंशियली फ़ायदा होगा, तो अगर वो नहीं हो पा रहा है तो ये छोटा सा एक उपाय है जो आपके लिए लाभदायक होता है। अब बहुत सारे कहते हैं कि अभी तो हमारी शादी नहीं हुई है, हमारे बच्चे कहाँ हैं, हमारे नानके बहुत दूर हम जहाँ हैं, हमें तो पता ही नहीं है कैसे होगा। तो भाई आपके लिए सबसे अच्छा उपाय हो सकता है कि मंदिर में जाएं, माता दुर्गा को आप नमस्कार करें, वहाँ पे आप जाके कुछ भी फ्रूट वगैरह चढ़ा सकते हैं। और अगर आपके नज़दीक माता जी का मंदिर नहीं है तो आप गणेश जी की मूर्ति को पान चढ़ाएं, तो निश्चित तौर पर ये लाभ की स्थिति आपके लिए बनेगी। पान खाना भी इस समय आपके लिए एक अच्छी हेल्थ के लिए एक अच्छी टॉनिक की तरह ये काम कर सकता है। तो हम ये जो चीज़ें चलती हैं समाज में, इनके पीछे कुछ खास बात रहती है। अब ये कल्चर में आ गई हैं, बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं हमें तो पान खाने को चाहिए, वो अलग बात है, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो समय समय पर आपको उनका प्रयोग करने से बहुत सारा लाभ जो है वो मिल जाता है। तो कहूँगा कि ये एक अच्छी स्थिति है। इसके अलावा और एक अच्छी बात हो सकती है, गुरुद्वारा साहब जाएँ और वहाँ जाके आप देग जो है, कड़ा प्रसाद की देग जो है वो करवाएँ, तो उससे भी आपको लाभ होगा। और आप वहाँ ग्रंथी जी से कहिए कि भाई हमारे लिए, परिवार के लिए और सर्वदे पले के लिए अरदास रोज होती है, तो एक बार हमारी ओर से भी कर दी जाए, तो वो निश्चित तौर पे कहते हैं कि सबके भले में अपना भला होता है, तो ये भी आपको लाभ देगा, इससे लाभ किसी होगी। अगर आपके घर में कुछ भी ऐसा मटेरियल पड़ा है जो फर्नीचर खास तौर पे जो यूज़लेस है, जो सही दिशा में नहीं है, तो ऐसी चीज़ों को आप घर में स्टोर ना करें, उनको निकाल दें तो अच्छी बात होगी, इससे आपके लिए ही लाभ बनेगा। धन की स्थिति आपकी बेहतर बनी हुई है लेकिन उसमें कुछ रुकावटें आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। यहीं दोस्त मित्रों का जो संबंध है उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ तो आपको नहीं मिल रही है, लेकिन हाँ उनकी ओर से आपको ये हो सकता है कि कोई किसी ने गाड़ी ले ली है तो आपको पता चला, चलो आप कहते हैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, आपने घर में एक्सटेंशन कर लिया, घर ले लिया है, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, तो आपको उनको बधाई देने का अवसर जरूर मिल सकता है, तो आप इंजॉय करें, इसमें दिक्कत क्या है, क्योंकि ये सब चीज़ें होती ही रहनी चाहिए। सबकी खुशी में हमें शामिल होना जो है, खुशी बांटने से 4 गुना बढ़ जाती है, 10 गुना बढ़ जाती है, गम बांटने से कम हो जाता है, तो खुशियों को बड़ा करने के लिए आपको ये सब कहना होगा और इससे आपको भी, आप भी कुछ मुश्किल समय को कहीं ना कहीं अपने आप को फ्री कर पाएंगे, ऐसी कुछ बात नज़र आ रही है। तो कुल मिला के मैं देखूंगा कि गृहस्थ जीवन में स्थितियाँ बेहतर हैं। अगर आप किसी को प्रपोज करने वाले हैं, कर रहे हैं लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, तो भाई कब जुटाएंगे। इस समय शनि महाराज इस मामले में आपकी पूरी पूरी मदद कर रहे हैं और बुध भी साथ में सहायता दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इस चीज़ का आपको क्या कहते हैं कि एडवांटेज ले लेना चाहिए। ऐसी ग्रह दशा फिर बाद में हो ना हो, कल हो ना हो, पता नहीं होता, इसलिए जो काम आज हो जाए कल करे सो आज कर, आज करे सो अब कर लेना ही कई बार फ़ायदेमंद होता है। और निश्चित तौर पे ये जो हेजिटेशन है, ये जो इनसिक्योरिटी है, अगर मैंने कह दिया और सामने से रिस्पॉन्स अच्छा ना आया, तो ये तो कभी भी हो सकता है, 10 साल बाद भी ऐसा हो सकता है, तो 10 साल ख़राब करने से अच्छा है कि अभी कर लिया जाए। और अगर आज ही इसका रिस्पॉन्स आपको अच्छा मिल जाता है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है।
जिंदगी का नजरिया बदल जाएगा, आप एक बार करके तो देखिए। तो जिंदगी में डर कर की गई चीजें कई बार हमें बहुत पीछे ले जाती हैं, समय बहुत खराब हो जाता है। तो जेमिनी राशि वालों को तो वैसे भी डर कम लगता है, ये ऐसे सांप हैं जो फटाफट अटैक करने में विश्वास करते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि अब आप इस मामले में भी थोड़ा एक्टिव दें, थोड़ा जल्दबाजी से इस चीज़ के ऊपर काम करें तो निश्चित तौर पर लाभ होगा। काले रंग का प्रयोग इस समय आपके लिए अच्छा नहीं है, इससे आपको थोड़ा बचना होगा, ये बहुत जरूरी बात है। अगर इस समय आपको कोई आपका बर्थडे आ रहा है, इसी वीक में आ रहा है, सेलिब्रेट करने जा रहा है, तो निश्चित तौर पर आफ्टर शेव हमें मिल जाता है, बॉडी स्प्रे मिल जाता है, फ्रेगनेंस सेंट, बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं। तो मैं कहूँगा कोशिश करें, ऐसी चीज़ें आप मना तो नहीं कर सकते, लेकिन उनको अपने पास रखने की गलती ना करें, उनको आप जैसे भी जैसे तैसे करके आगे निकाल दें तो आपके लिए अच्छा होगा। तो कुल मिला के ये कहूँगा कि उन लोगों के लिए एक अच्छी बात है जो संतान की कामना रखते हैं। जी हाँ, जो संतान की कामना रखते हैं उनको तो संतान मिलेगी, उनको तो सक्सेस मिल सकती है। अगर वो मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू करना चाहते हैं तो यह वीक आप लोगों के लिए एक अच्छा वीक हो सकता है। पर समस्या यह है कि ना जाने आप शुरू तो करना चाहते हैं लेकिन ना जाने टर्न कब आएगी। कोई बात नहीं, जब आएगी आएगी, लेकिन शुरुआत तो होना, किसी चीज़ की शुरुआत होनी बहुत ज़रूरी है, तो वो आपको कर लेनी चाहिए, इसमें लाभ मिलेगा। और साथ ही साथ ये कहना चाहूँगा कि जिनके पास संतान है तो उनका संतान के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग होता क्या कि संतान आपकी तरह ही इंटेलिजेंट है, शायद आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन आप उनको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं और वहीं आके एक द्वंद्व जो शुरू हो जाता है। ना ना, ऐसा ना करें, बिल्कुल ना करें भाई, विश्वास करें, अपने आप पे भरोसा है, वो बच्चे आप ही के हैं। तो आप अगर उन पे भरोसा नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब आप खुद के ऊपर ही भरोसा नहीं कर रहे हैं। ये बात अलग है कि उनकी कोई लगन ऐसी है जो आपको सूट नहीं करती है, या उनकी नेचर ऐसी है आप फटाफट काम करने विश्वास करते हैं लेकिन वो धीरे धीरे लेजी हैं थोड़े से, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उनके अंदर आपका गुण नहीं है, आप ही तो उनके रचयिता हैं, यू आर द क्रिएटर। तो आपको अपने आप पे भरोसा है तो निश्चित तौर पे आपकी संतान अच्छा करने वाली है। तो थोड़ा सा उनको उत्साह दें आर्गुमेंट करने के बजाय, उनको बहुत ज़्यादा नीचा दिखाने के बजाय अच्छा है कि उनको पुश करते चले जाएं, तो ये निश्चित तौर पे उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, उनका विश्वास जो है, उनके अंदर जो एक जो विटरनेस है कि पापा तो रोज़ ऐसे ही कहते हैं, मम्मी तो रोज़ मना करती है, तो इनसे बात करने का फ़ायदा क्या। तो इस चीज़ों से, इस विचार से उनको आपको बाहर निकालना आप ही की जिम्मेदारी है, तो निकालिए भाई, तो बात बनेगी। तो कहने का मतलब है कि ये जो स्थिति है आप लोगों के लिए एक बेहतरीन स्थिति, कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको आपको एडजस्ट करना होगा। तो निश्चित तौर पर जेमिनी के लोग जो हैं इस आने वाले वीक को जरूर इन्जॉय करेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। बात करूँ कैंसर राशि की, कैंसर राशि के लोग राहु आपकी भाई राशि से गुजर रहे हैं, आपको पता ही है राहु 9th ऑफ सेप्टेम्बर को इन्होंने ट्रांजिट किया था और ये आपकी राशि को इन्होंने कब पकड़ लिया था और उसके ऊपर एक शैडो आकर बैठ गई थी। बहुत सारे विचार, बहुत कुछ करने की इच्छा, लेकिन होगा नहीं होगा, कैसे होगा पता नहीं। आपको पता है राहु की माँ कौन है? राहु की माँ है चंद्रमा, यानी कि बिजली को पैदा पानी से किया गया। आज तो हम ना जाने कितने सोर्सेज हैं, तो एस्ट्रोलॉजी में माना जाता है कि राहु की माँ चंद्रमा है और वो अपने ही घर में राहु आ गया है, अपनी माँ के घर में आ गया है, तो विचार तो बढ़ेंगे ही, लेकिन क्योंकि वो डर भी देता है, आसमान में जब बिजली चमकती है तो डर लगता है। तो ये डर की संभावनाएं कहीं ना कहीं आपके अंदर हैं और इमोशनली भी आप बहुत अप एंड डाउन में रहते हैं और वहाँ राहु आके बैठ गया है, तो ये स्थिति कुछ अच्छी नहीं है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि कई बार आपका डर ही आपकी इच्छा शक्ति को, विजय को आगे बढ़ा देता है। एक ब्रेक के बाद हम बात जारी रखेंगे, मिलते हैं एक छोटी ब्रेक के बाद। And like a mobile, we do things your way. With our new UK Plan Super, you can now enjoy 6 GB of ultra-fast 4G data, unlimited UK minutes and texts, plus 100 international minutes to selected countries for the low price of just £15 for 30 days. Experience a faster world with our 4G network. Terms and conditions apply. To order your free SIM, visit likeamobile.co.uk today. Your data, your way. Like a mobile. जामवंत के बचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति भारे, तब लगी मोहि परखे हो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल आवर, राम चंद्र पद जय शरण, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। नमस्कार, नमस्कार, नमस्ते। I love India. So, travel a lot? No, just on business. You love India without experiencing it?
but I have experienced it right here on Air India. I always fly Air India. Me too. Now fly anywhere to anywhere. Earn and redeem miles via 27 Star Alliance partners. Air India, proud to be Indian, proud to be global. अध्यात्म विज्ञान के इस प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत है। सुनिए, सोचिए, समझिए, फिर जानिए जीवन शैली पर आधारित आत्मज्ञान से अध्यात्म विज्ञान तक पहुंचने की सूक्ष्मता विश्व विख्यात अध्यात्म विज्ञानी स्वामी कमलेशानंद जी के मुखारविंद से किशोर जैन के साथ एवरी वेडनेसडे 9:30 PM, रिपीट एवरी संडे 9 AM। हेस्टन हाइड वेस्ट लंदन के सबसे शानदार होटल्स में से एक विद 303 एयर कंडीशन रूम्स एंड स्वीट्स, वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक्वेट स्पेसेस इन लंदन, मीटिंग रूम फॉर अप टू 1200 पीपल, कॉन्फ्रेंसेस, म्यूजिकल फंक्शन, वेडिंग्स या कोई भी गैदरिंग, मनपसंद भोजन, शानदार आयोजन और बेहतरीन वेन्यू, 400 गाड़ियों की पार्किंग के साथ हेस्टन हाइट। फॉर बुकिंग्स कॉल 0208-572-1818। अमीना would ask you something if she could. She'd ask you to save her life, but she's too exhausted. She'd look you in the eye. She'd ask again if she thought someone, somewhere, had the heart to help. If Amina could ask you, would you help? This Christmas, you can help by calling Save the Children. Please call 0800-035-9909 today and give just £2 a month to help a child like Amina. We know what it takes to save a child's life. The solutions are simple, but we need your help. £2 can buy the food to keep a child alive. Amina can't ask you, but we can. Please, will you stop children dying? Christmas is about giving. So please call 0800-035-9909 and give £2 a month. Thank you. Hindu dharm vishv ka mahaan dharm hai. Brahma, Vishnu and Mahesh. Creator, preserver and destroyer. The world needs to know about Hinduism because it is not a religion, it's a way of life. Watch this on Let Us Talk Hinduism on METV every Sunday, 8:30. स्वागत है आप सभी एक छोटी सी ब्रेक के बाद प्रोग्राम जन्म कुंडली में, और हम चर्चा कर रहे हैं 12 राशियों के बारे में, उनका वीकली फॉरकास्ट क्या होगा, और साथ साथ आपकी कॉल का इंतजार भी रहेगा। आपने पास में कॉल की है, आपके डॉक्यूमेंट से उनका क्या होगा, शादी का क्या होगा, जॉब का क्या होगा, बहुत सारे सवाल आप करते हैं। तो सवालों का सिलसिला जब आप बताते हैं तो हम सीखते हैं और आपको रास्ता भी देते हैं, आदान प्रदान रहता है, तो वो सिलसिला भी जारी है। अभी भी हमारे पास टाइम है, 2 बजे ये प्रोग्राम समाप्त हो जाएगा। अगर आप प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे आपको एक कॉल करनी पड़ेगी, और फिर हम आपकी सवाल को सुन के इसका क्या निदान हो सकता है, उपचार क्या हो सकता है, उसको सुझाने की कोशिश की जाएगी। और राशियों के ऊपर हम कहेंगे कि कैंसर राशि, राहु आपकी राशि के ऊपर, और वो अपने ही घर में आ गए हैं जहाँ आकर वो कसमें खाते हैं कि नहीं माँ, मैंने तेरा दूध पिया है, नहीं माँ तूने मुझे पैदा किया है, तो मैं तेरा कुछ बिगाड़ूंगा नहीं। तो जहाँ आके वो शांत हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि सांप कितना भी सुस्त क्यों ना हो उसे डर आता है, बिल्कुल ऐसे ही राहु है, ये डर का कारण बन जाता है। तो बहुत कुछ उथल पुथल चलती है, बहुत प्लानिंग चलती है, लेकिन एक डर रहता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, कहीं ये गलती ना हो जाए, कहीं वो गलती ना हो जाए। पर मैं सोचता हूँ कि नहीं, जब कुछ चीज़ें इस तरह से आ जाती हैं कि उनका आपस में लिंक गहरा अच्छा होता है, तब वो आपको नुकसान की बजाय फ़ायदा करते हैं। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप सांप या कुत्ता रास्ते में लेटा हो तो उसको कहते हैं सोए हुए कुत्ते को जगाओ मत, तो आप जानबूझ के इनवाइट कर रहे हो ना उसको, वो आपको काटे तो आप निकल जाओ। राहु जब भी तभी बुरा करता है
जब आप वैसी एक्टिविटीज़ करना शुरू कर देते हैं, जब आप उसको जागृत करते हैं, जब आप उसको इनवाइट करते हैं कि आओ अब तुम मुझे जो भी करना है कर लो, तो इस समय में हमें कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो नहीं करनी है। सबसे बड़ी एक्टिविटी राहु की क्या होती है, उसकी खुराक क्या है? धोखा करना, झूठ बोलना और धोखा करना। आज तो समय ऐसा हो गया कि हर बात में झूठ बोलने की लोगों की फितरत हो गई है, चाहे वो झूठ का कोई मतलब नहीं होता लेकिन फिर भी बोल दो। जैसे घर में पापा बैठे हैं, बाहर देखा कि फलां आया तो कह दो पापा घर में नहीं है। मोबाइल फ़ोन, आपका मोबाइल फ़ोन है घर में है लेकिन पत्नी उठाती है वो कहती है नहीं नहीं वो तो बाजार गए हुए हैं। तो कहने का मतलब कि हर बात पे हम झूठ का सहारा लेना हमने शुरू कर दिया, और मोबाइल फ़ोन से तो ने तो आजकल इतना कर दिया कि झूठ, इससे ज़्यादा झूठ बोलने का जरिया मुझे कोई दिखाई नहीं था। तो राहु ऐसी ही चीज़ों के साथ इसको एनर्जी मिलती है और ये ताकत मिलती है, और तब ये शुरू हो जाता है अपना खेल तांडव करने के लिए। अगर आप नहीं चाहते तो इस चीज़ का आपको बचाव करने का, किसी का बुरा ना सोचें, किसी को धोखा देने की कोशिश ना करें, झूठ बहुत कम बोलें। अच्छा है अगर आप किसी को मिलना नहीं, आप कहें कि नहीं भाई मुझे अभी मिलना नहीं, मैं किसी काम में व्यस्त हूँ, मैं आपसे तब मिलूँगा, तो वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ज़्यादा अच्छा होगा। तो राहु से अगर आपको बचना है उसके बुरे प्रभावों से, तो ये आपको ध्यान। वहीं बृहस्पति मंगल का चंद्र के ऊपर, जो चंद्र आपकी राशि का कारक है, एक ऐसी स्थिति बन गई कि जिसमें यह हफ्ता या आने वाला समय आपकी दसों उंगलियाँ घी में बनाए हुए हैं। कहने का मतलब कि बहुत सारा लाभ जो है वो आपकी कुंडली में बना हुआ है। आपकी कुंडली जो है आज 1 दिसंबर को अगर मान लिया जाए कि हम चंद्र कुंडली का, आपकी राशि का कुंडली चार्ट बनाते हैं, तो एक ऐसी स्थिति दिखा रहा है कि ये पूरा महीना ही खास तौर पे एक बेहतरीन मंथ आपके लिए साबित हो सकता है। ऐसी ही स्थितियाँ हैं, लेकिन इस समय के दौरान घर गाड़ी की जो बदलाव है वो ठीक है, लेकिन उसके अंदर ही बने बनाए में ही कुछ परिवर्तन करने की अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो वो कहीं आपके लिए हानिकारक हो सकता है। तो नया कुछ भी हो जाए लेकिन पुराने में ही कुछ चीज़ें अगर आप बदलना चाहते हैं तो सोच समझ कर बदलिए, क्योंकि वो आपके खर्चे को बढ़ा देगा, वो आपकी परेशानी को बढ़ा देगा, वो आपकी हेल्थ के ऊपर बुरा प्रभाव डाल सकता है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। कारण यही कि राहु की ये सब खुराकें हैं। आप अच्छे खासे आपका काम चल रहा है लेकिन आप चाहते हैं नहीं 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 अभी तो हमें क्या करना है, एक नई टॉयलेट और बनानी है। आपने कहा कि आपने तो कहा था नई टॉयलेट बनानी है, लेकिन मैं बता दूं कि राहु का सबसे ज़्यादा घर के अंदर कहीं निवास रहता है वो टॉयलेट के अंदर ही रहता है। आपके घर के बाथरूम में, टॉयलेट में ही राहु सबसे ज़्यादा सक्रिय एक्टिव होते हैं। तो ऐसी चीज़ का आपको बिल्कुल भी इस समय के दौरान कुछ भी नहीं करना है, ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है, ये बहुत जरूरी बात है। वहीं ये कहूँगा कि तांबे का एक सिक्का, यानी कि पैनी, 1p या 2p का कॉइन जो है आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी होता है, उसको अपने पास रखें, अपनी पॉकेट में रखें, अपने साथ कैरी करें। हम कहते हैं कि हमारे पर्स में तो हमेशा ही रहते हैं, अच्छी बात है रहते हैं, तो वो एक सिक्का ही इस समय आपके लिए बहुत बड़ा फल जो है आपकी कामयाबी का लेके आ सकता है। लेकिन साथ ही साथ ये कहूँगा कि चांदी की जोत अगर आपके घर में है, क्योंकि हमें आप सबको आदत है ना दिया जलाने की, तो ये कहूँगा कि अगर चांदी की जोत अगर आप घर में चलाते हैं तो यह समय आपके लिए अच्छा नहीं है। ये आपके मानसिक और रूहानियत दोनों ही तरह से आपका नुकसान कर सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि ऐसी जोत का प्रयोग बिल्कुल, ज्योति को प्रज्वलित करने का प्रयोग बिल्कुल ना करें। गुड़ का प्रयोग करना इस समय आपकी हेल्थ के लिए बहुत बेहतरीन होगा, बहुत लाभ होगा। दही से स्नान करना भी आपकी जो जीवन में, जो इस समय में जो मुश्किलें हैं, जो रुकावटें हैं, उसको साफ करने में आपके लिए बहुत मुबारक होगा। फलों का दान करना भी आपके लिए बहुत बेहतरीन है। कहने का तात्पर्य यह है कि आपके पास ऑप्शन बहुत हैं, बहुत ऑप्शन हैं इन मुश्किलों से निकलने के। इसीलिए कह रहा हूँ कि ये महीना आप लोगों के लिए खास तौर पर, विशेष तौर पर एक अच्छा मंथ साबित होने वाला है। शादी के मामले में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं निश्चित तौर पर आगे बढ़ें। जॉब में किस तरह की तब्दीली चाहते हैं, प्रमोशन आप देख रहे हैं कि हो नहीं रही है, तो ये समय ऐसा है जिसमें आपको एप्लीकेशन डालनी चाहिए। ऐसा है कि आपको कोई लेटर मिल सकता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी आपको बहुत सारा लाभ जो है वो देती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर मैं बात करूं, आपको लोन अगर चाहिए, मोर्गेज अगर चाहिए, तो यह समय एक ऐसा समय बन गया है जहां पे आपकी मोर्गेज जो है वो अप्लाई की अप्रूवल जो मिलती हुई दिखाई दे रही है। संतान के माध्यम से आपको लाभ और संतान के लिए खर्चे जो हैं आपको करने पड़ सकते हैं। परिवार है, संतान है, ये सब करने ही पड़ेंगे, क्या कर सकते हैं। गृहस्थ जीवन में भी एक अच्छा साथ बना रहेगा। कुल मिला के ग्रहों की स्थिति इस समय कुछ इस तरह से बन गई है कि जिसमें कुछ अलग से होने वाला है, और वो जो अलग से होने वाला है वो आपको लाभ देने वाला है। तो लाभ ही तो हमें चाहिए जीवन में, दुनियावी जीवन का लाभ तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर हो सके तो इस समय का कुछ उपयोग रूहानियत लाभ के लिए भी करें, स्पिरिचुअलिटी के लिए भी करें, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। कोई ऐसे योग भी इस समय आपकी कुंडली में बने हुए हैं। ग्रहों की स्थिति है भाई,
इसका लाभ लें जितना ले सकते हैं। अब अपने आप सब कुछ हो रहा है और अब आप एफर्ट ना बनाएं तो फिर कैसे बात बनेगी, तो एफर्ट तो बनाना पड़ेगा। तो ज़रूर बनाएं, बहुत सारे उपाय हैं इस समय जो आपके लिए कारगर सिद्ध हो सकते हैं, अलग अलग नज़रिए से आप इन उपायों को कर सकते हैं। ये सारे उपाय अगर आप करेंगे तो शायद कोई लाभ ना होगा। कौन सी चीज़ आपको चाहिए और उसके लिए कौन सा उपाय करना है, ये बात अलग है, तो उसको जानने के लिए तो कॉल करनी पड़ेगी ना। आप कई बार सोचते हैं शर्मा जी बता रहे हैं कोई बात नहीं बस हो जाएगी, नहीं नहीं नहीं, हम एक साथ सभी चीज़ें नहीं खाते। हम कभी दूध में खटाई डाल के खाते हैं ना, दूध में नींबू डाल के खाते हैं, दूध में नींबू डालते हैं तो फिर वो पनीर बनता है, उसको फिर उसकी सब्जी बनाते हैं, कच्चा खाते हैं, तो एक अलग नज़रिया होता है। कई बार बहुत सारे उपाय जो होते हैं हम कहते हैं कि हमें 3-4 उपाय बताए, सभी कर दो, ना जाने कौन सा उपाय किस काम के लिए और कौन सा किस काम, जिस काम की आपको ज़रूरत नहीं है अगर आप उसको ज़्यादा उपाय करके ताकत देने की कोशिश करें तो उसका ब्लास्ट हो जाएगा और उसका नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए लिमिटेड मात्रा में उपाय करने, जो उपाय आपको ज़रूरी है वही करें, सभी उपाय नोट करके आप जल्दी से ना कर दिया करें, इससे आपको हानि भी हो सकती है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, तो भाई बताना मेरा काम है, आपको सही राय देना मेरा काम है, तो मैं आपको हर तरीके से हर चीज़ को सुझाने की कोशिश करता रहता हूँ। ऐसा नहीं है कि किसी तरह से भी आपका नुकसान होगा तो निश्चित तौर पे उसका तकलीफ मुझे भी होगी, क्योंकि मैंने जो आपको यहाँ बता रहा हूँ आपको लगेगा कि शर्मा जी ने बताया था, हमारा तो उल्टा नुकसान हो गया। तो जो जो आपके अंदर का इमोशन होगा, फीलिंग होगा, कहीं ना कहीं यूनिवर्स में घूमती घुमाती मेरे तक भी पहुँच ही जाएगी। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप ऐसा कुछ करें। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो यहाँ प्रोग्राम में आपकी कुंडली से ही पता चलते हैं। अगर आपका कोई भी पर्सनल सवाल ऐसा है जो आपसे जुड़ा हुआ है तो उसमें आप अपनी जन्म कुंडली के बारे में ही चर्चा करें, उसकी कॉल करके बात करें तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो प्रोग्राम आपकी सेवा में हाजिर है, ठीक 2 बजे तक प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहते हैं, मेरे साथ बात करना चाहते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर, इस नंबर को डायल कर आप मेरे साथ बात कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं लियो राशि के बारे में। लियो राशि, सक्सेस सक्सेस एंड सक्सेस, इस तरह की स्थितियाँ बन गई हैं भाई। गैम्बलिंग की ओर ध्यान जा रहा है, बच्चों को लेके एंग्जाइटी हो रही है, स्ट्रेस रहती है, क्योंकि बच्चों के लेके आप खास तौर पे बहुत ऐसे होता है ना, जैसे आदमी कोई पजेस्ट हो जाता है, ना जाने क्या हो जाएगा। तो मैं ये कहूँगा कि आपके बच्चे बहुत बेहतरीन इंटेलिजेंट बच्चे हैं भाई, आपके सेजिटेरियस साइन है आपके बच्चों के घर का, और ये तो जन्म से ही PhD लेके पैदा होते हैं और आप इनकी टेंशन करते हैं, मुझे लगता है कि आप यूँ ही इनसिक्योरिटी के एक पेशेंट बन गए हैं। ना करें ऐसा, ना करें तो अच्छी बात है, अपनी जीवन को इंजॉय करें। शादीशुदा ज़िंदगी में शादी करने के लिए जीवन साथी के साथ लिविंग रिलेशनशिप में हैं तो भी, जिस तरह से भी आप हैं, तो ये समय, इस समय आपके लिए बेहतरीन समय बना हुआ, लेकिन साथ ही साथ राहु आपके 12th हाउस में है। इसका मतलब हल्का हल्का सर दर्द आपको होगा, एंग्जाइटी की बात तो खैर मैंने कर ही दी है, स्लीपलेसनेस की समस्या भी आपको राहु जो है जहां बैठकर दे सकते हैं। तो अपने गुस्से पे काबू रखना बहुत ज़रूरी होगा, आपको गुस्सा, क्योंकि फायरी साइन है तो गुस्सा अक्सर कर आ जाता है, कई बार गुस्सा नहीं आता है, नहीं आता है, लेकिन क्योंकि आपकी इमेज बन चुकी है तो लोग आपसे भय खाते हैं। आप कुछ कहते भी नहीं है तब भी लोग आपसे डरते हैं, जैसे जंगल में शेर हो, शेर को देखे कौन नहीं डरता भाई, शेर चाहे सोए क्यों ना हो सब भी डरते हैं कि शेर आ जाएगा, शेर आ, जंगल में घुसते ही कहते हैं शेर नहीं आ जाए, और किसी की बात नहीं होती है। तो इसी तरह से आपका भी एक नज़रिया है, आप अपने नज़रिए को, अपनी प्रेजेंस को एक अच्छे तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे तो लोगों में आपका मान सम्मान सत्कार बढ़ेगा, और ये वीक जो है आपके लिए निश्चित तौर पे बेहतरीन वीक साबित होने वाला है, और सक्सेस ऑल राउंड जिसको कह सकते हैं, किसी तरह से भी कोई भी आपकी जिज्ञासा है, कोई भी आपकी इच्छा है, सितारे निश्चित तौर पर उसका एक अच्छा फल आपको देने वाले हैं, और ख़ास तौर पर चंद्रमा का भाग्य स्थान में आ जाना निश्चित तौर पे दिखा रहा है कि स्पिरिचुअलिटी का एक दौर, आपके मन में कुछ ऐसे विचार आ रहे हैं कि वाई आई एम इन दिस वर्ल्ड, मेरी मैं हूँ कौन, ऐसी चीज़ें भी आपके अंदर ना जाने कहाँ से आ जाती हैं, और ये सवाल आने का मतलब है कि कहीं ना कहीं आप अब जागृत हो रहे हैं, अब आप में कुछ चेंजेस आ रही हैं और वो चेंजेस आपके लिए अच्छी हैं, और आप ये कला सीख रहे हैं ये और भी अच्छी बात है, इसको सीख के आगे बढ़ें। कुल मिला के ये कहूँगा कि दुर्गा उपासना इस समय आपके हर मंसूबे को, आपकी हर इच्छा को पूरा करने में आपकी सहायता करेगी। ओम दुम दुर्गाय नमः का मंत्र जाप किया करें तो निश्चित तौर पे एक अच्छी स्थिति आपको मिलेगी। मंगल का जुपिटर को साथ और वहीं बुध का आपके फ्यूचर को इंडिकेट करना, यानी कि ये तीनों चीज़ें इस तरह से मिल गई हैं कि जिसमें एक अच्छी स्थिति आपके लिए बन रही है। वहीं शनि का और बुध का चंद्र को देखना कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए थोड़ा दिक्कत होगा जिनको किसी तरह से भी फेंट होने की डिफ़िकल्टीज हैं, तकलीफ़ है, बीमारी है, एपिलेप्सी है, कुछ भी ऐसा, जिनको वीक मेमोरी है, भूल जाने की डिमेंशिया है, ऐसी तकलीफ है, उनको मैं जरूर कहूँगा कि थोड़ा सा सावधान रहें, आप अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखें तो अच्छा होगा। अदरवाइज़
यह समय जो है जहाँ सब तरह की सक्सेस दिखा रहा है वहाँ इन चीज़ों से आपको गुजरना पड़ सकता है और ये आपके लिए मुश्किल पैदा कर सकती है। थोड़ा सा ध्यान आप दें तो अच्छा होगा। और उपाय मैंने जैसे आपको बताया कि दुर्गा उपासना इस समय आपके लिए बेहतरीन उपाय जो है वो साबित हो सकता है। दुर्गा उपासना करें और अगर हो सकता है तो कभी कभी तांबे के पैसे जो हैं यानी कि 1p 2p के जो कॉइन्स हैं उनका दान करते रहें तो निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। गैम्बलिंग में शौक रहेगा, लॉटरी आदि खरीदना इस समय आपके लिए अच्छा हो सकता है। कुछ हॉलीडे प्लानिंग भी हो सकती है, होना भी चाहिए। टायर्डनेस आपको परेशान कर देती है क्योंकि आप देर रात तक जागने वाले घोड़े हैं। लोग जब सोते हैं आपको तभी नींद आपकी उड़ जाती है और आप बेड में जाते ही नींद आ रही थी, बैठे टीवी देख रहे चलो सोएं, पहुंचे बेड में तो नींद गायब हो गई। सर रखते ही पता नहीं नींद कहाँ चली गई और आप खो गए बेचारों में। मुझे लगता है थोड़ी ब्रेक ले लेनी चाहिए, इससे आपको लाभ होगा। कुल मिला के ये कहूँ ग्रहों की ये स्थिति कहीं ना कहीं आपके लिए एक बेहतरीन पोजीशन जो है वो बनाए हुए है और आने वाले दिनों में और भी आप अच्छा कर पाएंगे ऐसी मुझे उम्मीद दिखाई दे रही है। कॉल लेते हैं उसके बाद हम वर्गो राशि के बारे में बात करेंगे। हेलो जी। हेलो जी। जी हाँ जी, जन्म है 11/10/1977 जी। टाइम है रात के मिडनाइट 11:50-55 सॉरी 11 बज के 55 और 56। ओके 55-56 मिनट इन द इवनिंग। ओके प्लेस ऑफ बर्थ किया मैनचेस्टर, यूके मैनचेस्टर। ठीक है जी, मैनचेस्टर ना किया जी, इसके बारे पूछना चाहते हो राजीव। ओके जी, 11th of October 1977 5 to 12। ओके जी मैनचेस्टर। ओके लो जी देख रहे हैं जी की कहते हैं बेटा है थोड़ा। हाँ जी। ठीक है जी, बेटे की कुंडली कैंसर लगन की कुंडली है, जिन्हों का जरा सेंडेंट साइन है राइजिंग साइन हैगा वो कैंसर, इन्हों का मून साइन हैगा वर्गो। मून साइन की आप हमने गल करके हटे, वर्गो की आप करनी है तो इन की कुंडली बारे आप गल करिए। सूरज चंद्र बुध शुक्र राहू पांच ग्रह इन इकट्ठे बैठे ने, पंचायत बन के बैठी है। पंचायत जो टेबे के होंगी वो अच्छी होंगी है पर जो बुध वो आ जाता तो अक्सर कर मुश्किल पैदा हो जाए। तो इस वेले मैं यही कहूँगा कि मैरिड लाइफ मैरिटल जी पोजिशन हैगी बारे और फ्रेंडशिप जी हैगी बारे बहुत सावधान रहना जोड़ा वो जरूरी है। इन काफ़ी मुश्किल आ सकदियाँ इना ही। कॉल ड्रॉप हो गई, चलो कोई बात नहीं है, दोबारा कॉल करें जी। हम आपकी कुंडली खुली हुई है फिर आपसे बात करूँगा क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो आपको बहुत सावधानी पूर्वक उनके ऊपर ध्यान देना होगा। कुंडली अपने आप में ये ऐसी कुंडली है जिसमें आपको खुद सब कुछ करना होगा, ये ध्यान रखना है। तो कैसे करना है क्या करना है उसकी हम बात करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने राशियों के सिलसिले में कि किस तरह से लियो राशि वालों के लिए सब कुछ अच्छा है, क्या क्या उन्हें ध्यान देना है। अब बात है वर्गो राशि की यानी कि कन्या राशि की। फाइनेंशियल वरीज रहेंगी, टायर्डनेस रहेगी, आपको अपने काम को सही समय पर कर लेने की आदत डालनी होगी, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाएंगे, स्ट्रेस रहेंगे, ओवरवर्क की वजह से आपका जीवन जो है उत्थप हो जाएगा। वेल फिनिशर हैं आप, बहुत अच्छा रिजल्ट आप लाते हैं, जिसके लिए आप काम करते हैं वो वाह वाह करता है आपकी क्योंकि आप देते हैं 100% पर आप 100% नहीं देते हैं प्रैक्टिकली क्योंकि आप कोई भी काम समय पर पूरा नहीं करते हैं। और यही कमजोरी इस बार रहेगी क्योंकि चंद्रमा आपके अष्टम भाव में चला गया है और ये आपके लाभ का कारक है। जो लाभ आप बना सकते हैं अब वो आपकी इस गलती की वजह से, इस कमी की वजह से कहीं ना कहीं वो पीछे पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कोशिश करें अगर लाभ चाहिए तो जागें, दौड़ें, करें, आप कर सकते हैं और आप करते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और साथ में ध्यान दें वो लोग जो एजुकेशन में है, एक्स्ट्रा एफर्ट बनाने पड़ेंगे। गाड़ी खरीदने के लिए बिल्कुल भी अच्छा समय नहीं है, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए झगड़ों में पड़ने का समय नहीं है। ये बहुत सारी प्रिकॉशंस इस बार आपको लेनी पड़ेंगी, नहीं तो कुछ मुश्किलों से आपको गुजरना पड़ेगा। वो मुश्किलें आपने खुद पैदा की होंगी, किसी की नहीं, क्योंकि आपने सही समय पे उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया, यही सबसे बड़ा कारण हो सकता है। इसके अलावा मुझे कोई और दूसरा कारण दिखाई नहीं दे रहा है, आप खुद से ही युद्ध कर रहे हैं, इस युद्ध से आपको बाहर निकलना होगा। एक कॉल उसके बाद हम बात जारी रखेंगे वर्गो राशि के बारे में। हेलो जी। हाँ जी। हाँ जी, कॉल ड्रॉप हो गई थी थोड़ी। हाँ जी हाँ जी जी हाँ जी, की सवाल है, मैं गल कर रहा हाँ थोड़ा सवाल की है दसो। टेबे और उस तो बाद सूर्य चंद्र बुध ओ आ गया और चंद्रमा का लगन है
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਚੰਦਰਮਾ ਅਮਾਵਸ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਮਾਵਸ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਗੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਕੀ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਕੁੰਡਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਐਮਟੀ ਆ, ਪਾਸਟ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ, ਜੋ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਇਸੇ ਜਨਮ 'ਚ ਮਿਲਣਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਐਫਰਟ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣੇ। ਸੈਲਫ ਮੇਡ ਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਆਪ ਬਣਿਆ, ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਫਰਟ ਬਣਾਉਣੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਦੂਸਰੇ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਉੱਨੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪ ਐਫਰਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਐਫਰਟ ਬਣਾਉਣੇ, ਇਹਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਕਾਕਾ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਜੀਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਬੰਦਾ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਇਹਦੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਏਗੀ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਡੈਸਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਲਵੇਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਲੈਟ ਡਾਊਨ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਸਾਧੂ, ਜਦੋਂ ਸਾਧੂ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਸਾਧੂ ਬੱਚਾ ਆ, ਇੱਛਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਆ ਕੁਛ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਆਏ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਾਧੂਪਣ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਲਏਗਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਬਣਾ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੈਰਿਜ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਰਿਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ, ਆਲਵੇਜ਼ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਰਹਿਣੇ ਆ, ਡਿਸਪਿਊਟ ਰਹਿਣੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਮਿਲੇ ਰਾਮ, ਨਾ ਮਿਲੇ ਮਾਇਆ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੱਗ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਆ, ਹੈਗਾ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ, ਦੋ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋਰੀ, ਮੁੰਡਾ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪੁਸ਼ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਦੁਬਾਰਾ ਕਹੋ, ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਜੋ ਗਵਾ ਚੁੱਕਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧੂ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਾਸ ਦੀ ਸਾਧੂ ਬਿਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਈਡੈਂਸ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਉਹ ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਰਿਜ ਹੈਗੀ ਆ, ਗ੍ਰੈਸ ਹੈਗਾ ਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੁੰਡਾ ਬਹੁਤ ਸੁਨੱਖਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਬਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ, ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਗੁਰੂ, ਅੱਛੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇਣਾ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਗੱਲ 'ਚ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਬਹਿ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਪਾਅ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋ ਜਾਓ, ਧਾਰਮਿਕ ਇਹ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਨਾ ਹੋ ਜਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸੈਟਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਪਾਅ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਦਿਨ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਸੂਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰੋ। ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਆ, ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਸਤਾ ਮਿਲੇਗਾ। 40 ਦਿਨ ਜਾਓ ਲਗਾਤਾਰ। ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਦੱਸੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਓਕੇ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਜੇ ਜੀ ਕਿਆ ਕਰੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਜੀਵਨ ਮੇਂ ਸਾਧੂ ਤਪਸਵੀ ਜਬ ਆ ਜਾਏ ਤੋ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਕਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਵਿਗੜੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਆ ਜਾਣ, ਕਿਆ ਕਰੇ। ਜੇ ਦੁਨੀਆਂ, ਜੇ ਦੁਨੀਆਂ, ਜੇ ਦੁਨੀਆਂ, ਜੇ ਮਹਿਫਿਲ ਮੇਰੇ ਕਾਮ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਨਸਾਨ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਦੌੜ ਹੈ। ਖੈਰ,
देखते हैं क्या होता है। वर्गो राशि वालों को कहूँगा कि भाई एफर्ट बनाने, गाड़ी खरीदने के लिए अच्छा समय नहीं है, प्रॉपर्टी के झगड़े आप में बिल्कुल ना पड़े, ध्यान दें कि इन सब चीज़ों से आपको फाइनेंशियल नुकसान होने वाला है, और छोटी छोटी बातों को लेके गुस्सा बिल्कुल ना करें। गुस्सा क्यों करते हैं, गलतियां आपने की हैं तो आप गुस्सा भी आप करें ऐसा क्यों। सुनने की क्षमता आपको रखनी होगी, आप अपनी बात तो एक बार नहीं दो बार दस बार कहते हैं कि सामने वाला मेक श्योर करते हैं कि सामने वाले ने आपकी बात सुनी है लेकिन कभी कभी दूसरों की बात भी सुन लीजिए करिए। अब अपनी गलतियां हैं तो उसको सुधारना तो है, हॉलीडे कर रहे हैं आप और पीछे काम आपका किसी ने देखा नहीं तो आप उसको कौन करेगा जी, आपको ही तो करना है। इसलिए वर्गो राशि वालों को मैं कहूँगा कि भाई लेट लतीफ़ होना छोड़ दीजिए, हर काम को पहले से ही तैयार रखिए, उसकी प्लानिंग करिए। हर बार आपको हर चीज़ के लिए कहते हैं ना, आपने डेट एक्सटेंड कर लीजिए, आपने ये एक्सटेंड कर लिया जी, अब आप ऐसा कर लेंगे, हर बार नहीं चलता है भाई, मौके बार बार नहीं मिलते हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, कुंडली इस समय आपकी कमज़ोर है। उपाय आपको देना चाहूँगा, जितना हो सकता है चावल का दान, चावल का दान धर्म स्थान में किया जाए तो ये सारी मुश्किलें कहीं ना कहीं, ये हिम्मत, ये लेजीपन कहीं ना कहीं इसमें आप बैलेंस कर पाएंगे, ऐसा हो जाएगा। तो मैं यही कहूँगा कि एक अच्छी स्थिति आपके लिए बनती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन आपको एफर्ट बनाने होंगे। माता की सेहत का ध्यान रखना होगा कि माँ की सेहत, माँ एल्डरली लेडी की सेहत जो है कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय आप लोगों के लिए बन सकती है। संतान प्राप्ति के योग बने हुए हैं। कॉल लेते हैं, उसके बाद हम बात जारी रखेंगे। हेलो जी। हेलो जी, नमस्कार जी। थोड़ा आपको काम बारे पूछना है। जी जी जरूर जी। मैं थोड़ा मिला पूछ रहा हूँ। जी जी बिल्कुल। मेरा नाम सतीश कुमार है। जी सतीश जी, डेट ऑफ बर्थ? मेरा डेट ऑफ बर्थ 21/10/1957। जी 9:09 सुबह के। ठीक है जी। नवाशहर? हाँ जी। प्लेस ऑफ बर्थ नवाशहर जी ना? हाँ जी। थोड़ा जन्म स्थान नवाशहर है ना? हाँ जी नवाशहर। ठीक है। नवाशहर लो जी सतीश जी, आप देखते हैं, वैसे तो जरा चार्ट है ठीक ही चल रहा है, हम देख लें क्योंकि चेंजेस काफ़ी हुई हैं तो उन्होंने कोई बदलाव तो नहीं होया, देखते हैं आप हमने। 30 जनवरी चेंज होनी है जी, यदा मतलब हल फिलहाल सारा कुछ ठीक है, 30 जनवरी एक चेंज हो जा रही है। वो जी चेंज है, हले टाइम हैगा थोड़े को, मतलब 30 जनवरी जी चेंज है वो जाके कुछ चीज़ों के बदलाव, कुछ नवी बिजनेस कारोबार रिस्पोंसिबिलिटी कुछ नवापन आएगा, वो बारे थोड़ा प्लैनिंग करनी अज तो शुरू कर दो जो कुछ थोड़े माइंड चलता है, पर एक्शन 30 जनवरी तो बाद लेना है, वो तो कामयाब रहेगा। फिलहाल सितारे जड़े ने काफ़ी अच्छे चल रहे हैं और वो अपने आप के जो भी कहते होंगे ना कि एक अच्छा रिजल्ट देने लिए तैयार बैठे ने, तो कोशिश करो धार्मिक स्थान जाओ, पीलिया चीज़ें दान करो, उत्थे लड्डू बेसन कोई होर मिठाई पीले रंग की हो, कड़ाह बना के ला जाओ पीले रंग का, इधर चीज़ दियो और तुहाडा वैसे भी उत्थे आउंदे जांदे रहना इस वेले मुबारक है। सो ये चीज़ें अगर करते रहोगे तो फिलहाल यही हो रहा है कि हर एक चीज़ जी घुम घुमा के तुहाडी फेवर में आ रही है, तो एक अच्छी गल है जी। अगला साल जो 30 दिसंबर 30 जनवरी एक स्टार चेंज होना है, पर जोड़ा असली अगला साल है वो शुरू होना है 21 मार्च में। जो जन्म कुंडली की गल करते हैं तो जन्म कुंडली का साल उदों शुरू होंगे जिस महीने तरीक नीं संसार के उत्ते आए थे, तो मतलब तुहाडी जी अगली जर्नी आ दुनिया का साल पहली जनवरी बदल जाना 31 दिसंबर रात को बदल जाना है, पर तुहाडा जोड़ा साल है शुरू होना है वो 21 मार्च में। तो आप ये कहने कि 30 जनवरी भी एक चेंज होनी है, पर असली चेंजेस जी आप पता लगनी है वो जाके पता लगनी है 21 मार्च में। तो मैं थोड़ा ये एडवाइस करूँगा कि तुम कोशिश करो कि 21 मार्च तो तुम मार्च के अपने जन्म तो 2 हफ्ते पहले जरूर कॉन्टैक्ट करो, फिर आप अगले साल में भी जानने की कोशिश करा जो जन्म तो लगेगा कि वह किधर लैके जा रहा थोड़ा। पर आज की डेट में जो स्थितियां है जब 30 जनवरी भी जी चेंज हो रही है वो तुम्हारी फेवर में जा रही है, तुम्हें फायदा कर जा रही है, तो तुम आनंद करो, तो सेहत का थोड़ा ध्यान रखो कि मैं लगता थोड़ा थोड़ा छाती और गोडिया में कोई तकलीफ हो सकती है, थोड़ा वह ध्यान रखो, बाकी सब ठीक है। अगर कोई तकलीफ सॉरी कोई भी धार्मिक स्थान से जब तुम चले जाने ना चीज़ा तो इन्नी मैटर नहीं कर रही, जाना ही मैटर कर जाता कई बार, तो थोड़ा इस वे स्टार ही कहता कि अगर तुम आप भी जाओगे तो वो किसी चीज़ नालों ज़्यादा वधिया आ। मुलाकात होगी।
And like a mobile, we do things your way. With our new UK Plan Super, you can now enjoy 6 GB of ultra-fast 4G data, unlimited UK minutes and texts, plus 100 international minutes to selected countries for the low price of just £15 for 30 days. Experience a faster world with our 4G network. Terms and conditions apply. To order your free SIM, visit leicamobile.co.uk today. Your data, your way. Leica Mobile. जामवंत के बचन सुहाए सुने हनुमंत हृदय अति भारे तब लगी मोहि पर खेहु तुम भाई सहि दुख कंद मूल फल आवर रामचंद्र पद जय शरण हे जय सिया राम शंकर हरिओम। नमस्कार नमस्कार नमस्ते। आई लव इंडिया। So, travel a lot? No, just on business. You love India without experiencing it? But I have experienced it, right here on Air India. I always fly Air India. Me too. Now fly anywhere to anywhere. Earn and redeem miles via 27 Star Alliance partners. Air India, proud to be Indian, proud to be global. स्कूल जाना तो एक सपना था, रोज देखता उस खाने वाली गाड़ी को, सबको बढ़िया खाना, खुशी होती थी देखकर। फिर वो दिन आया जब मैं भी गया स्कूल, लगा कि सपने देखने की ताकत मिल गई हो। अरे पेट भरा हो तो पूरा ध्यान पढ़ाई में रहेगा ना। प्रार्थना करता हूँ कि वो खाने वाली गाड़ी हमेशा स्कूल आती रहे। थैंक यू अक्षय पात्र। आइए हाथ बटाइए ताकि भारत में 16 लाख से भी ज्यादा बच्चों को स्कूल में पौष्टिक खाना मिलता रहे। हिस्टन हाइड वेस्ट लंदन के सबसे शानदार होटल्स में से एक, विद 303 एयर कंडीशन रूम्स एंड स्वीट्स, वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक्वेट स्पेसेस इन लंदन, मीटिंग रूम फॉर अप टू 1200 पीपल, कॉन्फ्रेंसेस, म्यूजिकल फंक्शन, वेडिंग्स या कोई भी गैदरिंग, मनपसंद भोजन, शानदार आयोजन और बेहतरीन वेन्यू, 400 गाड़ियों की पार्किंग के साथ हिस्टन हाइट। फॉर बुकिंग्स कॉल 0208-572-1818। अध्यात्म विज्ञान के इस प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत है। सुनिए, सोचिए, समझिए, फिर जानिए जीवन शैली पर आधारित आत्मज्ञान से अध्यात्म विज्ञान तक पहुंचने की सूक्ष्मता, विश्व विख्यात अध्यात्म विज्ञानी स्वामी कमलेशानंद जी के मुखारविंद से किशोर जैन के साथ, एवरी वेडनेसडे 9:30 PM, रिपीट एवरी संडे 9 AM। प्यारी साध संग जी, आपने जान के बड़ी खुशी होगी कि 6वें पातशाह श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज के गुरुद्वारा मीरी पीरी साहब दी ब्रादर साउथ हाल दी कार सेवा शुरू हो चुकी है और उम्मीद है कि संगतां वध तो वध इस कार सेवा विच अपना योगदान पाउणगियां और गुरु घर वालों 793 MATV उत्ते हर संडे गुरु घर वालों प्रोग्राम दिता जाएगा, उस नूं देखना ना भुलो जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतह। Jay Lakhani. Sri Lakhani is a popular public speaker on Hinduism in the United Kingdom. He offers Hindu teachings to hundreds of youngsters, as well as thousands of students in schools, colleges and universities. In a series of talks given to the postgraduate students at a dozen or so universities, he explores the depth of Hindu teachings as well as its breadth of vision. If you wish to get a glimpse of the modern, dynamic face of Hinduism, do not miss this series of talks. अध्यात्म विज्ञान के इस प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत है। सुनिए, सोचिए, समझिए, फिर जानिए जीवन शैली पर आधारित आत्मज्ञान से अध्यात्म विज्ञान तक पहुंचने की सूक्ष्मता, विश्व विख्यात अध्यात्म विज्ञानी स्वामी कमलेशानंद जी के मुखारविंद से किशोर जैन के साथ, एवरी वेडनेसडे 9:30 PM, रिपीट एवरी संडे 9 AM। जामवंत के बचन सुहाए सुने हनुमंत हृदय अति भारे तब लगी मोहि पर खेहु तुम भाई सहि दुख कंद मूल फल आवर रामचंद्र पद जय शरण।
राजनीति, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक या कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय। राजनीति के गलियारों में अलग अलग नुक्कड़ों पर व्यक्तियों के बीच, धार्मिक संस्थाओं के बीच, कभी कभी राष्ट्रों के बीच या कभी कभी व्यक्तिगत एक राजनीति लगातार चलती रहती है। और यही राजनीति हम लेके आ रहे हैं हर बुधवार शाम 7 बजे आपके MATV पर। देखना मत भूलिए राजनीति। हिंदू धर्म विश्व का महान धर्म है। ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश, क्रिएटर, प्रिजर्वर एंड डिस्ट्रॉयर। द वर्ल्ड नीड्स टू नो अबाउट हिंदुइज्म बिकॉज इट इज नॉट ए रिलीजन, इट्स ए वे ऑफ लाइफ। वॉच दिस ऑन लेट अस टॉक हिंदुइज्म ऑन MATV एवरी संडे 8:30। ओके, वेलकम बैक, स्वागत है आप सभी का एक छोटी सी ब्रेक के बाद प्रोग्राम जन्म कुंडली में। और कॉलर है हमारे साथ। हाँ जी, की कह रहे हो? सॉरी, मैच प्रोग्राम ना शुरू हो गया। हाँ जी, हम दसो की कह रहे हो? हाँ जी, जस्ट बेसिकली मेरे हेल्थ बारे में पता करना था, तो मेरे इतना मेरी प्रॉब्लम्स आई हुआ जॉब दा काम दा। ओके, जो आप प्रॉब्लम कहने हैं काम दी, एक हुंदा है भी काम अपने को है नहीं, एक हुंदा भी ओदे विच कोई दिक्कत हो गई इस करके प्रॉब्लम आ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਜੋਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂ ਜੋਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਆ? ਜੋਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ। ਜੋਬ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜੋਬ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਫੀਲਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੋਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਫੀਲਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੋਬ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ? ਜੋਬ ਲੱਜਣ ਲੱਗਾ ਐਟ ਦ ਮੋਮੈਂਟ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦਸ਼ਾ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਸ਼ਨੀ ਦਸ਼ਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ। ਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਲਿੰਗ ਪਲੈਨਟ ਆ, ਉਹਦੀ ਹੀ ਦਸ਼ਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ। ਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੁਣ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਗੁਣ ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਣਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਲਿੰਗ ਪਲੈਨਟ ਆ, ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਹਿਲੋਂ ਪਾਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਣਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆ ਅਬਾਊਟ 15 ਜਨਵਰੀ। 15 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਵਰ ਕਰਨੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋਬ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। 15 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਗਾਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜੂਨ ਤੱਕ ਤਾਂ ਗੁੱਡ ਹੈ, ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚੇਂਜਸ ਆਉਣੀ ਆ, ਉਹ ਚੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇਗੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਸਟਰਗਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਚੱਲੂਗਾ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਜਾਂ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗੀ, ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਟਰਗਲ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਦੋਂ ਹੋਣੀ ਜਾ ਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। 2021 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਟਰਗਲਫੁਲ ਟਾਈਮ ਰਹੂਗਾ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋਬਲੈਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੂਗੀ, ਵਰਕ ਸਟ੍ਰੈਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਫੈਮਲੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਰੀ ਕਰੂਗੀ, ਪਰ ਉੱਦਾਂ ਜਨਰਲੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹੈਲਥ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀਕ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਜੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਦਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੈਕ ਦੇ ਮਸਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਾਰਟ ਰੀਜਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਸ਼ੋਲਡਰ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਟ੍ਰੈਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟਿਫਨੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸੋ ਮਸਲ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੇਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇਣੀ ਆ ਜੀ। 15 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋਬ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਜਨਵਰੀ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜੀ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਗੁੱਡ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਲਿੰਗ ਪਲੈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੈਟਰਨ ਹੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੈਟਰਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੰਪੈਟੀਬਲ ਸਟਾਰ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਕੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਔਰ ਸਕੂਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਵੀ ਅਤੇ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈਲਥ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ, ਕੰਮ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ। ਪਰ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਾਈਜ਼ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਪਰ ਜਨਰਲੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੈਲਥ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਫਾਈਨੈਂਸ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਜੋਬ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ। 15 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ 2021 ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਵਾਲਾ, ਫਿਰ 21 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਮੂਥ ਜਿਹੜਾ ਜਰਨੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ।
ਸੌਰੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆਫਟਰ 2021 ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਫਟੀ ਕਰਨ ਉਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਲਈ ਆ ਫਿਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਯਾਰ ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਓਕੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ्रेस ਨਾ ਲਾਓ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਜਾਓ ਜੋ ਵੀ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਲਾਓ ਥੋੜਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਕਰੋ ਤੇ ਸਟ्रेस ਘਟ ਜਿੰਨੀ ਸਟ्रेस ਲਾਓਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਅਫੈਕਟ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਇਦਾਂ ਸਟ्रेस ਨਾ ਲਾਓ ਓਕੇ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਹਾਂ ਹਮ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਵਰਗੋ ਰਾਸ਼ੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹਮਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚਾਵਲ ਕਾ ਦਾਨ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਤਾ ਹੈ ਕੀਆ ਜਾਏ ਆਪਕੇ ਲਈ ਅੱਛਾ ਹੈ ਔਰ ਐਲਡਰਲੀ ਲੇਡੀ ਮਦਰ ਕੀ ਹੈਲਥ ਕਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿੱਸਾ ਜਹਾਂ ਕਹੀਂ ਨਾ ਕਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਸਾਥ ਹੀ ਸਾਥ ਬੱਚੋਂ ਕੀ ਆਮਦ ਅਗਰ ਆਪ ਫੈਮਿਲੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤੋ ਬੱਚੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੇ ਯੋਗ ਬਨੇ ਹੋਏ ਹੈ ਲੁੱਕ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰੇ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ ਔਰ ਸੰਤਾਨ ਕਾ ਜਨਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਤਾ ਹੈ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਂ ਵ੍ਰਿਧੀ ਹੋਤੀ ਰਹੇ ਐਸੀ ਬਾਤੇਂ ਆਤੀ ਰਹੇ ਤੋ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਨਕੀ ਅੱਛੀ ਹੈਲਥ ਹੋ ਆਪ ਉਸਕੋ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਅੱਛੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਾਏ ਜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਾਤ ਹੈ ਤੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹਮ ਕਹਿ ਸਕਤੇ ਹੈ ਕਿ ਵਰਗੋ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੋਂ ਕੇ ਲੀਏ ਆਪਣੀ ਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਉਨਕੇ ਲੀਏ ਸਮੇਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ ਨਹੀਂ ਤੋ ਸਭ ਕੁਛ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਯਹਾਂ ਪੇ ਠੀਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਬਾਤ ਕਰੂੰ ਲੀਬਰਾ ਰਾਸ਼ੀ ਕੀ ਲੀਬਰਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੋਂ ਕੇ ਲੀਏ ਉੱਤਮ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਉੱਤਮ ਸਮੇਂ ਹੈ ਇਹ ਵੀਕ ਖਾਸ ਤੌਰ ਪੇ ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਆਪਕੇ ਲੀਏ ਰਾਹੂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸੇ ਆਪਕੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਮੇਂ ਬੈਠ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦਿੱਕਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਂਗੇ ਇਸ ਲੀਏ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਮੇਂ ਕੁਛ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਨਾ ਬਣਾਏ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹਮੇ ਜਹਾਂ ਪੇ ਪੈਸੇ ਕਮ ਮਿਲ ਰਹੇ ਵਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਰਹੇ ਤੋ ਵਹਾਂ ਚਲੇ ਜਾਏ ਪੈਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਕੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗੇ ਲੇਕਿਨ ਵਹਾਂ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲੇ ਵਹਾਂ ਕਾ ਵਹਾਂ ਪਰ ਐਡਜਸਟ ਹੋਣਾ ਵੀ ਉਤਨਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਗਾ ਤੋ ਕਹੀਂ ਨਾ ਕਹੀਂ ਮੈਂਟਲੀ ਆਪ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਵੋਗੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਚਾਹੇ ਆਪ ਸਿਕਿਓਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤੋ ਕਹਿਣੇ ਕਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਂ ਸਕੂਨ ਚਾਹੀਏ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਏ ਤੋ ਸਕੂਨ ਸਾਥ ਮੇਂ ਹੋ ਪੈਸਾ ਹੋ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੋ ਉਸ ਪੈਸੇ ਕਾ ਵੀ ਕਿਆ ਕਾਮ ਤੋ ਮੁਝੇ ਲਗਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਆਪ ਲੋਕੋਂ ਕੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਪੜੇਗਾ ਜਿਸਸੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇਗੇ ਚੇਂਜ ਆਫ ਜੋਬ ਕੇ ਚਾਂਸਿਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੇ ਚਾਂਸਿਸ ਹੈ ਤੋ ਉਹ ਤੋ ਹੋ ਜਾਏ ਤੋ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜੋਬ ਚੇਂਜ ਕਰਤੇ ਵਕਤ ਆਪਕੋ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਗਾ ਵਹੀਂ ਚੰਦਰਮਾ ਆਪਕੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਸੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆਪਕੇ 7th ਹਾਊਸ ਮੇਂ ਤੋ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪਕੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੇਂ ਹੈ ਤੋ ਕੋਈ ਨਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡੀਲ ਆਪਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਤੀ ਹੈ ਆਪਕੋ ਸਾਈਨ ਕਰਨੀ ਪੜੇਗੀ ਆਪ ਸਾਈਨ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈ ਬੁਰਾਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਨ ਕਰਨਾ ਪੜੇ ਤੋ ਕਿਆ ਬੁਰਾ ਕਿਆ ਹੈ ਉਸਮੇਂ ਅੱਛਾ ਹੀ ਤੋ ਹੈ ਤੋ ਅਗਰ ਆਪ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਸ਼ਾਦੀ ਯੋਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਤੋ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਪੇ ਆਪ ਆਗੇ ਬੜੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰੇ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਨਿਊਜ਼ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਮੇਂ ਆਪਕੋ ਮਿਲ ਸਕਤੀ ਹੈ ਤੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਸਮੇਂ ਆਪ ਲੋਕੋਂ ਕੇ ਲੀਏ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹਾ ਹੂੰ ਵਹੀਂ ਆਪਕੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਲ ਦੇ ਦਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਦਾਨ ਕਰਨੇ ਕੀ ਖਮਤਾ ਰੱਖਤੇ ਤੋ ਦਾਨ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀ ਕਮਾਈ ਸੇ ਆਪਣੇ ਹਾਥੋਂ ਸੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦਾਨ ਕਰਤੇ ਰਹੇ ਜਿਸਸੇ ਆਪਕੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਗੀ ਆਪਕੋ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ ਸਥਿਤੀ ਆਪਕੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਗੀ ਮੰਗਲ ਕਾ ਆਪਕੀ ਲਗਨ ਮੇਂ ਆ ਜਾਣਾ ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ੀ ਮੇਂ ਆ ਜਾਣਾ ਈਗੋ ਕਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਤਾ ਹੈ ਤੋ ਥੋੜਾ ਸਾ ਸਾਫਟ ਰਹੇ ਪੋਲਾਈਟ ਰਹੇ ਸਭ ਕੇ ਸਾਥ ਦੂਸਰੋਂ ਕੋ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਕੇ ਜਾਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਆਮ ਦਾ ਬੈਸਟ ਵੈਸੇ ਤੋ ਆਪ ਕਰਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਤੋ ਨਿਆਇ ਕੇ ਕਾਰਕ ਹੈ ਆਪਕੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਨਿਆਇ ਬੈਲੈਂਸ ਕੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਬਰਾਬਰਤਾ ਕੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰ ਅਭਿਮਾਨ ਜੋ ਹੈ ਈਗੋ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਘੇਰ ਲੈਤਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨੀ ਨੇਚਰ ਹੈ ਨਾ ਹਿਊਮਨ ਨੇਚਰ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਜੇ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੈ ਤੋ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਸੇ ਆਪਕੋ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੋਗਾ ਜੇ ਆਪਕੇ ਲਈ ਅੱਛਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਕੋ ਆਪਣੀ ਬੈਕ ਕਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਬੈਕ ਸੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਛ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਸਕਤੀ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ ਲੋਕੋਂ ਕੋ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਿਨਕੋ ਕਿਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਕਾਨੋਂ ਕੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਕਾਨੋਂ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਆਪਕੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਤੀ ਹੈ ਤੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਆਪ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਲੈਤੇ ਹੈ ਸਮਝਦਾਰੀ ਸੇ ਕਾਮ ਲੈਤੇ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਲਗਾਤੇ ਹੈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਇਲੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਕਰ ਚੀਜ਼ੋਂ ਕੋ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕਰਨੇ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੂਵੇਬਲ ਸਾਈਨ ਹੋਣੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਰਾਸ਼ੀ ਹੋਣੇ ਸੇ ਰਾਹੂ ਕਾ ਉਸ ਸਥਾਨ ਮੇਂ ਹੋਣੇ ਸੇ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਮੇਂ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾ ਉਸਕੋ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਪੇ ਆਪ ਉਸਕੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਡਿਸੀਜਨ ਬਣਾਏ ਉਸਸੇ ਆਪਕੋ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਐਸੀ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਆ ਜਾਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਭੀ ਕੇ ਅਭੀ ਆਪਕੋ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਬ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਪੇ ਆਪਕੋ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਕੀ ਬਾਤ ਸੁਣਨੀ ਹੋਗੀ ਦਿਲ ਔਰ ਦਿਮਾਗ ਮੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੰਤਰ ਹੋਤਾ ਹੈ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਜਾਤੇ ਹੈ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਤੇ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਕਾ ਫਾਇਦਾ ਸੋਚਤੇ ਹੈ ਆਪਣਾ ਲੇਕਿਨ ਦਿਮਾਗ ਹਮੇ ਪਲੱਸ ਔਰ ਮਾਈਨਸ ਕੋ ਸਿਖਾਤਾ ਹੈ ਉਸਮੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਾ ਹਮ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾ ਕੇ ਜਬ ਆਗੇ ਬੜੇਗੇ ਤੋ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਪੇ ਆਪਕੋ ਲਾਭ ਹੋਗਾ ਤੋ ਐਸੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਆਪਕੋ ਆਪਣੀ ਔਰ ਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਸੋਚ ਕੇ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈ ਲਾਭ ਹੋਗਾ ਉਪਾਅ ਆਪਕੇ ਲਈ ਸਭ ਸੇ ਅੱਛਾ ਉਪਾਅ ਹੈ ਦਾਨ ਦਾਨ ਕੀ ਸ਼ਮਤਾ ਹੈ ਦਾਨ ਕਰੇ ਕਿਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੇ ਵੀ ਕਰੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਮੰਦਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਸਜਿਦ ਜਹਾਂ ਪੇ ਵੀ ਆਪਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਨੀਡੇਬਲ ਜੋ ਨੀਡੀ ਲੋਕ ਹੈ ਉਨਕੋ ਆਪ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੇ ਦੇਤੇ ਰਹੇ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੇਂ ਮੁਫਤ ਕਾ ਮਾਲ ਖਾਣੇ ਸੇ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੇ ਚਲੋ ਜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਤੋ ਦੂਸਰੋਂ ਕੋ ਇਸ ਸਰ ਕਹੇ ਕਿ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਕਰੋ ਜੀ ਆਪ ਜੇ ਕਰੋ ਜੀ
का लाभ का रास्ता जो है वो बनेगा, लाभ होगा आपको, और लाभ हमें चाहिए, हम सभी लाभ चाहते हैं, और लाभ का ही सब झगड़ा है, विचारों का ही सब झगड़ा है। अच्छे विचार लाएंगे तो निश्चित तौर पे एक अच्छी बात बनेगी। बात करूँ स्कॉर्पियो राशि की, हिम्मत आपके अंदर बहुत है, एनर्जी से भरे हुए हैं और बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ कर भी रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लास्ट मिनट पर ही सब कुछ कर पाते हैं। यही आपकी हार कहूँ या जीत कहूँ समझ नहीं आता है, क्योंकि एंड ऑफ द डे आप उस चीज़ को अचीव कर ही लेते हैं। अब लास्ट में करें या कैसे भी करें, थोड़ा सा एडवांस कर लें, बस इतना ही सजेशन हो सकता है। आपने बहुत बार ट्राई किया लेकिन होता नहीं, जब आपकी खुद की बारी आती है तो आप कहते हैं हो जाएगा कोई बात, लेकिन दूसरे का काम हो तो एक मिनट में जाके आप कर देते हैं। अपनी पॉकेट से पैसे लगाने के लिए भी आप तैयार हो जाते हैं। आप जीवन देने की क्षमता रखते हैं, जीवन देने वाले होते हैं, परमात्मा को जानने वाले होते हैं, ब्रह्म शनासी होते हैं आप, डिवाइन नॉलेज आप रखते हैं, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर आपका बहुत गहरा विश्वास, लॉजिक आप समझने की कोशिश करते हैं। तो यह राशि वो राशि है जहां सब रास्ते बंद होते हैं, नया रास्ता खुल जाता है। अब आपका क्या गुणगान करूं, हमेशा ही गुणगान करता हूं, कहने का मतलब है कि इतना गुणगान, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आप अपने लिए एक कोरा कागज हैं, एकदम ऐसे हैं, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई, मान और अभिमान की परिभाषा बहुत कम आपके अंदर आती है, लेकिन हाँ एक स्थान पे आपके मान और अभिमान आपका जागृत जब हो जाए तो फिर मुश्किल हो जाती है, क्योंकि फिर आप रिवेंज लिए बगैर रहते नहीं हैं। जब तक आपको पुकारा ना जाए आप पार्टिसिपेट भी करना नहीं है, लेकिन जब पुकार लिया, आपको इन्वॉल्व कर लिया और आपको क्रिटिसाइज़ किया गया, आपको ब्लेम किया गया, तब आप फिर छोड़ते नहीं हैं, फिर आप अपनी बात मनवा के रहते हैं, फिर तो भगवान भी आपके सामने कुछ नहीं, आप तो हैं ना साक्षात हनुमान जी। हनुमान जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपने इष्ट के अगेंस्ट खड़े हो गए थे, तब आपका हनुमान जागृत हो जाता है आपके अंदर, तब आप भी हो जाते हैं कि आपने ऐसे कह कैसे दिया, फिर आप वो बातें चुन के लाते हैं जो सामने वाला सोच भी नहीं सकता कि ये इतने बड़े कमान इन्होंने तर्कश में कैसे संभाल के रखे थे, पता ही नहीं था। आप सोचते हैं ये चुपचाप रहने वाले इंसान, किसी के भले और बुरे में इनका कुछ लेना देना नहीं, वो कहते हैं तुम्हारी ज़िंदगी है उसकी ज़िंदगी, वो कर रहे हैं, लेकिन ध्यान आप सभी बातों का रखते हैं, आप चुपचाप बैठे सुन सब रहे होते हैं, ऐसा ही करते हैं ना आप, बिल्कुल उस सांप की तरह हैं जो बिल में बैठा है, जब तक कोई उसमें हाथ डाले नहीं तब तक वो बाहर नहीं आता, लेकिन डाल दिया तो फिर हमने पकड़ लिया, फिर हम छोड़ते नहीं हैं। तो यही एक प्रकृति है आपकी, सांप बिच्छू जितने भी जो इंसेक्ट रेप्टाइल लोग हैं वो सब ऐसी ही भाषा को यूज़ करते हैं, रिवेंजफुल हो जाते हैं, डोमिनेटिंग होते हैं, लेकिन बहुत पोलाइट भी होते हैं। अगर यह राशि के लोग, लगन के लोग मैलिफिक हो जाएं, बुरे हो जाएं, बुरे विचारों से भर जाएं, तो विनाशकारी होते हैं, ये समाज के अंदर गंदगी भरने का काम करते हैं, समाज के अंदर डर भय कर देने का हर बुरा काम ये कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा बुरा काम होगा जो ये नहीं कर सकते। अच्छा यही है कि ऐसी राशि के लोग अच्छी ही ग्रहों की स्थिति में हो तो अच्छा है, नहीं तो ये लोग कभी भी अच्छे नहीं होते, इनका एक बराबर ऑपोजिट जैसे कहते हैं रिएक्शन है, ऐसा ही इनका एक हिसाब है। तो इस समय चंद्रमा आपकी राशि से जो है षष्ठ भाव में चल रहे हैं, तो सेहत का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, लेकिन आप तरक्की की ओर आगे बढ़ रहे हैं, आने वाले दिनों में और ऊर्जा और तरक्की होगी, और फुल मून आपके सेवंथ हाउस में होगा, इसका मतलब रिलेशनशिप, पार्टनरशिप, बिजनेस, हर चीज़ में आप आगे बढ़ेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज़, नई डील्स, नए वेंचर्स आपको मिलेंगे और आप उनका पूरा एडवांटेज लेने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन साथ ही साथ शुक्र का संबंध कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि यह कुछ ऐसी अनसुलझी पहेलियाँ, पजल्स आपके सामने रख सकता है, बस वहीं पर आपको सावधान रहना है। अगर आपने वो कर लिया तो निश्चित तौर पर यह वीक आपके लिए एक मेमोरेबल वीक होगा, और धर्म स्थान में आते जाते रहना ही उत्तम उपाय समय आपका होगा। बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना, बड़े बुजुर्गों का, माँ बाप बहन भाई जो आपसे उम्र में बड़े हैं, बड़े उम्र में लोग चाहे वो अपने नहीं हैं, उनका आशीर्वाद लेते रहें तो यह समय आपके लिए अच्छा बन जाएगा। नॉवल पढ़ने की अगर आपको इच्छा हो गई है तो मैं कहूँगा कि ये एक अच्छी इच्छा नहीं है, बुरी है, क्योंकि ये आपके समय को ख़राब करिए। धार्मिक वृत्ति का हो जाना, धार्मिक लिटरेचर का पढ़ना इस समय आपके लिए उत्तम होगा, और धर्म स्थान में जाकर सफाई की सेवा करते रहना भी आपके लिए उत्तम होगा, जिससे आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो मुश्किलें आपके सामने आ रही हैं उससे आप अपने आप को बचा पाएंगे, और रास्ता जितना साफ होगा उतना ही आप जल्दी से वहां पहुंच पाएंगे। कुल मिला के स्कॉर्पियन के लिए एक अच्छी बात, एक अच्छा वीक जो है वो साबित होने वाला है। कानों की तकलीफ़ है, थोड़ा ध्यान दें कानों में, खास करके राइट कान में मेल्स को, और लेफ्ट कान में फीमेल्स को तकलीफ़ हो सकती है, पैरों में भी तकलीफ़ हो सकती है,
ना जाने कहाँ से तकलीफ आ जाती है, लेकिन हमारे शरीर में ही सब कुछ है, हमारे शरीर के अंदर ही लड़ाइयों से लड़ने की ताकत है, बीमारियों से लड़ने की ताकत है, हमारे शरीर में ही बीमारियां हैं जो हमें घेर लेती हैं, बाहर से तो आती नहीं हैं। इसलिए अपनी सेहत का ध्यान रखें, ये बहुत ज़रूरी है। आप भूखे ना रहा करें, क्योंकि आपको लगता है शायद भूखे, मुझे भूख नहीं है, भूख तो होती है, आपके अंदर लिवर डिसऑर्डर हो जाता है, फैटी लिवर हो जाता है, लिवर कॉम्प्लिकेशन आपको जल्दी हो जाती है। इसलिए अपनी खुराक का ध्यान, लस्सी आपका सबसे अच्छा उपाय है, लस्सी कितनी भी ठंड क्यों ना हो, स्नो क्यों ना हो, बाहर हो रही हो, लेकिन आप लस्सी जरूर अपनी खुराक में धारण करें, तो ये एक अच्छा उपाय आपकी हेल्थ के लिए हो सकता है। जी हाँ, अब बात करें, बात क्या करनी है, आखिरी के 8 मिनट हैं, अगर आप अभी भी आपके पास एक कॉल हम ले सकते हैं, अगर आप प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर, इस नंबर को डायल कर आप मेरे साथ बात कर सकते हैं। कोशिश करूँगा आपके सवाल का जवाब ढूंढने की, और अगर उपाय होगा तो उपाय भी जरूर दूंगा, और नहीं होगा तो कहूँगा कि नहीं भाई, हिम्मत करिए, आगे बढ़िए, एक्शन लीजिए, तो सफलता मिलेगी। और अगर किसी कारण से आप ऑन एयर बात नहीं करना चाहते हैं, आपका दिल करता है कि ऑफ एयर बात की जाए, तो उसके लिए फीडबैक नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर होगा विदिन 2 मिनट, उस नंबर को आप नोट करें, आपका जाना पहचाना नंबर, फीडबैक नंबर, फीडबैक देने के लिए, कोई भी जानकारी लेने के लिए 01827216401, उसको आप नोट करें, वहाँ पे आप जानकारी जो भी है, जो भी आपने इन्फॉर्मेशन देनी है, वो वहाँ से ले सकते हैं। सेजिटेरियन को कहूँगा एक अच्छा समय, एजुकेशन में आप बहुत अच्छा करेंगे, और इस समय आप बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप अपने शत्रु खुद ही बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी जुबान के ऊपर आपका काबू नहीं है। अगर आप अपनी जुबान पे काबू रखेंगे तो निश्चित तौर पे सफलता आपकी होगी, आपको कोई हरा नहीं सकता है। पर अनफॉर्चुनेटली आप रोक ही नहीं पा रहे हैं, आप कोई बात अभी सोच दिमाग में आई थी, आपने हल्ला करना, शोर मचाना शुरू कर दिया कि मैं ये करने जा रही हूँ, मैं वो करने जा रहा हूँ। नहीं, आप ऐसा ना करें। कई बार चुप, एक चुप और 100 सुख होते हैं। इस समय आपको चुप्पी धार लेनी भी जरूरी है। उतना ही बोलें जितनी ज़रूरत है, जितना सवाल आपसे किया हुआ है, उससे ज़्यादा कुछ भी आप कहेंगे तो वो चीज़ आपके अगेंस्ट हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी। आपको हार्ट रीजन में कुछ तकलीफें हो सकती हैं, ब्लड प्रेशर का आपको ध्यान रखना है, लो ब्लड प्रेशर से आप परेशान हो सकते हैं, एनीमिक हो सकते हैं। अच्छी डाइट लें और एक्सरसाइज ज़रूर करें, एक्सरसाइज आपके लिए इस समय बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ सूर्य आराधना एक बार फिर से आपके लिए, अब सूर्य की बात फिर से आ गई, सूर्य यानी कि आप, एक सूर्य आसमान में, एक सूर्य आप, तो दोनों ही तरफ अगर आप उस सूर्य की आराधना करेंगे तो आपको सूर्य उदय के समय जागना होगा। जब सूर्य उदय के समय आप जागेंगे, सूर्य उपासना करेंगे, तो निश्चित तौर पर आपका जो लिविंग स्टाइल है उसमें परिवर्तन होगा, और वो आपके लिए अच्छा होगा। क्योंकि लेज़ी हो जाना कई बार मुश्किल हो जाता है, रात रात भर जागते रहना, बहुत कुछ सोचते रहना, PhD की हुई है आपने, आपके आप हर सवाल का जवाब ढूंढते हैं, आर्गुमेंट करने में आपसे बेहतर कोई और हो ही नहीं सकता। तो मैं कह सकता हूं कि यस, आप जैसा क्रिटिक कोई नहीं है, आप जैसा लॉजिकल कोई नहीं है, आप जैसा डॉक्टर कोई नहीं है, आप जैसा गाइडेंस देने वाला कोई नहीं है, आप जैसा गाइड कोई नहीं है, हर तरीके से आप परफेक्ट हैं। और यही आपकी कमजोरी भी है, क्योंकि जब आदमी परफेक्ट हो जाता है तब वो लेज़ी हो जाता है। इस चीज़ से आपको बचना होगा। कॉल लेते हैं। हेलो जी। हेलो। हेलो जी। हाँ जी, मैं मेल होना ना कल कर दी। हाँ जी, बोल रहे हैं जी, बोल रहे हैं। हाँ जी, मेरा नाम कमल किशोर तेरा है। जी जी। मेरा बर्थ डेट है 30 जनवरी 1954। जी। जन्म हैगा 10:50 शाम का। ठीक है जी। हाँ जी। केड़ी जगह? केनिया दा, मोबासा। ठीक है जी। ते तुसी 30th जनवरी क्या या 20? मैं 30th। 30th, ठीक है जी। ओके जी, कमल किशोर तुसी ना दस्या ना अपना? हाँ जी। ठीक है जी, एक मिनट जे होल्ड करो, क्योंकि अपना गल कर दें कहते प्रोग्राम खत्म हो जाना। तो मैं एक रिक्वेस्ट बेनती कर दवा प्रिय दर्शकों, ये शायद हमारी आखिरी कॉल है, जो राशियाँ रह गई उनके लिए कोशिश करूँगा, अगर इनकी कॉल पहले खत्म होगी तो आपको राशियाँ जरूर बताऊँ, नहीं अगर वो रह गई हैं तो आप उन राशियों को YouTube के माध्यम से जान सकते हैं। मंथली फॉरकास्ट आप YouTube के माध्यम से आपको मिल जाएगी इस महीने की, और फीडबैक नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है 01827216, ऑफ एयर बात करने के लिए इस नंबर पे आप कॉल कर जानकारी ले सकते हैं। तो ये सिलसिला आपका और मेरा साथ जो ही बना रहेगा आने वाले दिनों में भी, और हम बात कर रहे हैं कमल किशोर जी की। जी कमल किशोर जी, थोड़ा की सवाल है? सेहत दे विच कीड़ी चीज़ जानना चाहते हो, क्योंकि सेहत वाला तुहाडा सवाल तो सही है, पर की किहड़े रीजन नूं जानना चाहते हो? मैं जानी थोड़ा बहुत स्ट्रेसफुल जिहा रहिंदा, कि कोई मेरे कामकार नहीं, सफ
ਸਫਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਨੀ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਜੀ ਪਤਾ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਾਹੂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਹੂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਝੜਿੱਕਾ ਪਾਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੋ ਝੜਿੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੋ ਝੜਿੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੋ ਝੜਿੱਕਾ, ਅਗਲਾ ਕਰਾ ਕੇ ਦੋ ਚੋਂ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇਗਾ। ਰਾਹੂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਹੀ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਓਬਸਟੀਕਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਈਏ, ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਥੋੜ੍ਹੀ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਆਮਦਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਮਦਨ 98 ਖਰਚਾ ਰੁਪਈਆ। ਸੋ ਸਿਹਤ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਪਾਅ ਆ, ਸੂਰਜ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਾਹੂ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੂਰਜ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਸੂਰਜ, ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੂਰਜ ਇੱਕ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆ। ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਹੂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਏਗਾ ਸੂਰਜ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਸੂਰਜ ਆਪ ਤੁਹਾਡਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੂਰਜ ਆਪ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਬ੍ਰਾਈਟ, ਉਹੀ ਸ਼ਾਈਨ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਨਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਡਾਰਕਨੈਸ, ਸਾਰਾ ਕਲਾਊਡ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਲਾਊਡ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸਕਸੈਸ ਲੈਣੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੈਲਥ ਦੀ ਆ ਚਾਹੇ ਕੰਮ ਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੂਰਜ। ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਕੀ ਆ? ਸੂਰਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਲੰਗਰ 'ਚ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਖਿਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਕਰੋ। ਔਰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਣਕ, ਬਾਜਰਾ, ਗੁੜ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੁੜ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਆਟਾ ਔਰ ਗੁੜ, ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਮਾਨ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਪਿਆ ਆ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਿੰਗ ਆਰਡਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਯੂਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਬਲਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਵਾਇਰ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਕੋਈ ਸਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਹੈਗਾ ਆ, ਖਰਾਬ ਪਿਆ ਆ, ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੀਸਰਾ ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਆ, ਉਹ ਉਪਾਅ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਜਾਣਾ ਆ, ਆਉਣਾ ਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਅਤੇ ਘਰੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਚਿੱਟੀ ਚੀਜ਼, ਹੁਣ ਚਿੱਟੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਈਦਾ, ਪਰ ਦੁੱਧ ਨਾ ਪੀਓ, ਬਰਫੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰੱਖੋ ਘਰ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਐਕਸਟਰਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਜਾਣਾ, ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਲਈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਲੇਮ ਕਰਨਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਲੈਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਰਫੀ ਖਾ ਕੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾਓ। 6, 12, 24 ਇਹ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੂਗੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੱਸੋ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਪੁੱਛਣਾ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਜੋਬ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜੋਬ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆਉਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕੋਈ ਖੋਲਾਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹੂ ਔਰ ਸੂਰਜ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੰਡਲੀ ਵਿੱਚ, ਰਾਹੂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਾਹੂ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਵਟ ਐਵਰ ਯੂ ਟ੍ਰਾਇੰਗ ਟੂ ਡੂ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸਰ ਆਹ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਉਪਾਅ, ਤੁਸੀਂ 40 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਉਪਾਅ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਲਡ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਪ੍ਰਿਯ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਗਾ 01827216401, ਜੋ ਆਪ ਔਫਿਰ ਬਾਤ ਕਰ ਸਕਤੇ। ਅਬ ਮਿਲੂੰਗਾ ਆਪਸੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਕੀ ਰਾਤ, ਤਬ ਤੱਕ ਕੇ ਲੀਏ